आज के कवि दरबार का कवि सम्मेलन का और मुशायरे का आगाज़ करता हूँ सबसे पहले आ, मेरी आज की शेरी नशीस की शुरुआत करते हुए गुजारिश है विद्या भूषण धर से नमस्कार सभी शोराओं को मेरा सलाम नमस्कार आदाब बहुत फक्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक छोटा सा कलम चलाने वाला हूँ इतने दिग्गज लोगों के सामने मैं अपने को बिल्कुल नर्वस महसूस कर रहा हूँ अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर है बहुत मशहूर वरूफ़ शेर है हर जर्रा चमकता है इलाही से हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है कश्मीर वादी के जो बहुत ही मशहूर वरूफ कवि रहे हैं मोतीलाल साकी साहब उन्होंने इसी को कश्मीरी में अपने ख्याल में पेश किया है मे दम सूच कईम चान्य समसार बहार माया दम सितयम चाइन संसार बहार चाइन दम सिते शोले वुडरे फुल लाल जार मैं इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन करूंगा कि मेरे दम से कायम है तुम्हारे संसार का बहार अगर मैं हूं जैसे कहते कि मैं हूं तो हम हैं तो खुदा भी है अगर मैं हूं तो आपका वजूद भी है आपका खुदाई भी है तभी तक कायम चाइन दम सू नोले वड्र्यू फुल लाल जार बट खुदाई के दम से जब सुबह का सूरज चमकता है तो ऐसा लगता है कि लाल और जार फन चमक रहे हैं ओश तुद तम टाठ सम दाद दित बेशुमार मान्य अजमतुक पोज अमा पोज चानि अजमतु कसम ओश तुं तमी टाठ सम दाद बेशुमार सुचुक परवरदिगार कायन सुचुक परवरदिगार कायन हुकुम चोन चलान मंद शजातस आप बेशक इस कायनात के परवरदिगार हैं और आपका हुक्म इस दुनिया को चलाता है मैं छा इनकार कर रस बंदगी मैं आपकी बंदगी इनकार नहीं कर रहा हूं मेचे लोलिक माई बरिमित प्याल बर है अब मैं साकी साहब के कुछ कलाम पेश करने की इजाजत चाहता हूं ये सारे शेर जो सा साहब ने लिखे हैं ये खुदा की तरफ है आपके महबूब की तरफ है या आप जिसके आप वर्शिप करते हैं उसकी तरफ है अजुक दम रच पगा सुबुच खबर कस अजुक दम रच पगा सुबुच खबर कस चवान गस आँ इन जहाँ बस चवान गस आँ इन जहा करक बस पगा चुन यावर कंस दर दिल कायनात मे चु मोठ मचर दरवाज मई खाना सुबह फोल मचर दरवाज मई खाना सुबह फोल बरो किम प्याल वुच बादे सबा डोल बरो किम प्याल वुच बादे सबा डोल बखीली कर्म ये चुन कंस रोज़न बखीली मर कर्म ये चुन कंस रोज़न दच हमा यित आ कोई गोल दच हमा पुज ये तन में अकुई गोल यहाँ पे कवि जो कहता है कि मैखाने के सुबह की किरणें शुरू हो गई हैं है। मैखाने का दरवाजा खोल दे ये एक सिंबोलिज्म है बेसिकली शायद मंदिर के मस्जिद के दरवाजे खुल गए हैं तो जो वहां की जो ब्लेसिंग्स हैं मुझे दे दे करो किन प्याल उछ बादे सबा डोल कि मेरे मेरा जो प्याला है इसको भरने की भर बर दें बाद सबा उस वक्त आ गया है पखीली कर्म ये छुन कस रोज मतलब कंजूसी मत करना जो मेरा प्याला है उसको भरने में कंजूसी मत करना क्योंकि यहां किसी ने रहना नहीं है अजर अमर कोई रह के नहीं आया दच ये तन में कोई गोल मैं ओक भर के पीऊंगा चाहे मेरे हिस्से में एक ही कतरा आ जाए गनीमत छू ये दम बर प्याल साकी गनीमत छुई ये दम बर प्याल साकी गुतुल चाह गुतुल चा चाव आज ये में हाल साकी खबर छन सुबह क्या आयि आलम खबर छन सुबह क्या आयि आलम मरावर विज इकबाल साकी यही ये, ये वाले उद्गार वापस प्रकट हो रहे हैं कि मैं परवरदिगार की खुदाई को तस्लिम करता हूँ मगर मैं हूं तो खुदा भी है बहारक वक्त बहुस जाम आसु यह आखिरी शेर में पेश कर रहा हूं बहार वक्त बी गाम चौद जून हं ग शाम आ जून हंस ग शाम शबाब शबा नगम ग नटे पे शबा नगम ग नटिन पे मे फार्म कुल शुक्रिया। मुशायरों की एक रीत है कि जो कंडक्ट कर रहा होता है वो अपनी एक नजम पढ़ता है पहले लेकिन विद्या का कहना था कि उनको जाना है उनको पहले पढ़वा लीजिए तो मैंने एहतराम किया उनके जल्दी जाने की ज़रूरत का एक ही नजम मैं पेश करता हूँ जैसा कि दोस्तों को इल्म है कि मैं नसरी नज़म लिखता हूँ जिसको हम खुली शायरी कह खुली नजम भी कहते हैं तो इस नजम का टाइटल है उदासी की घड़ी के बाद किसी को किसी का इंतज़ार रहता है उदासी की घड़ी में किसी को किसी का इंतज़ार रहता है उदासी की घड़ी में और वो घड़ी गुजर जाती है उदासी पीछे रह जाती है और वो घड़ी गुज़र जाती है उदासी पीछे रह जाती है आखिर में इंतज़ार करने वाला इंतज़ार करना छोड़ देता है आखिर में इंतज़ार करने वाला इंतज़ार करना छोड़ देता है और फिर अपने आप से मिलता है अपने हज़ारों मदाइन के झमकटे से भाग जाना चाहता है अपने हजारों मदाहन के झमकटे से भाग जाना चाहता है तेज़ बारिश में अकेले नहाना चाहता है तेज़ बारिश में अकेले नहाना चाहता है पहाड़ के ऊपर कॉटेज में तन्हा बैठकर ऊंचे सुरों में पुराने गीत सुनना चाहता है और फिर ढेरों रोना चाहता है और फिर ढेरों रोना चाहता है आंसुओं की बारिश के बाद मुस्कुराना चाहता है सिर्फ अपने आप से मिलना चाहता है बहुत शुक्रिया अब मैं गुज़ारिश करूँगा डॉक्टर सगीर असलम साहब से बहुत ही उम्दा गज़ल व शायर नज़्में भी बहुत अच्छी लिखते हैं और इनसे गुजारिश है कि तशीफ लाएँ मेगल यूनिवर्सिटी से पी एच डी साइंस में की हुई है इन्होंने और शायरी लाजवाब करते हैं डॉक्टर असलम साहब प्लीज़ गज़ल के कुछ अशार वजूद वक्त से पहले किताब में हम थे क्या वजूद वक्त से पहले किताब में हम थे बला हमी ने कहा था हिजाब में हम थे वजूद वक्त से पहले किताब में हम थे भला हमी ने कहा, हमी ने कहा था हिजाब में हम थे और हमें खबर है मोहब्बत में क्या गुज़रती है हमें खबर है मोहब्बत में क्या गुजरती है हमी थे दार पे बेहतः चनाब में हम थे हम ही थे दार पे बेहतः चनाब में हम थे और तुम्हें ख़बर हो कि आगाज़ एतबार वफा तुम्हें ख़बर हो कि आगाज़ एतबार वफा हुआ ही यूँ था कि उसके निसाब में हम थे आ, था। था। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया तुम्हें ख़बर हो कि आगाज़ एतबार वफ़ा हुआ ही यूँ था कि उसके निसाब में हम थे वो मसलहत पे गया और खो दिया हमको <updating> <फ्यारे> वो मसलहत पे गया और खो दिया हमको अगर वो ख्वाब पे जाता तो ख्वाब में हम थे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया वो मसलहत पे गया और खो दिया हमको बहुत शुक्रिया अगर वो ख्वाब पे जाता तो ख्वाब में हम थे कुछ और गजल से नफरत का तफावत का तजादात का दुख है नफरत का तफावत का तजादात का दुख है बढ़ती हुई संगीनी हालात का दुख है और पैराहन ख़ुश रंग में मलबूस है एक जिस्म, पैराहन ख़ुश रंग में मलबूस है एक जिस्म, उस जिस्म के मलबे में दबी ज़ात का दुख है बहुत शुक्रिया पैराहन खुश रंग में मलबूस है एक जिस्म जिस्म के मलबे में दबी ज़ात का दुख है एक आग का गोला लिए दिन निकला है ऐसे एक आग का गोला लिए दिन निकला है ऐसे जैसे उसे गुजरी हुई एक रात का दुख है क्या क्या बात, क्या बात? क्या बात? जैसे उसे गुजरी हुई एक रात का दुख है और होंटों पे लरसते हुए इनकार से बढ़कर होंठों पे लरसते हुए इनकार से बढ़कर आंखों आँखों से छलकते हुए असबात का दुख है और दुख इसका हुआ कौन मुकाबिल मेरे आया आहे, आहे। दुख इसका हुआ कौन मुकाबिल मेरे आया दुनिया ये समझती है मुझे मात का दुख है दुनिया ये समझती है मुझे मात का दुख है हमको तो चलो दुख है न मिलने का किसी से हमको तो चलो दुख है न मिलने का किसी से उनसे कोई पूछे उन्हें किस बात का दुख है बहुत वा, तो हमको तो चलो दुख है न मिलने का किसी से उनसे कोई पूछे उन्हें किस बात का दुख है कहने लगे तुम इश्क में रोते हो अभी तक कहने लगे तुम इश्क में रोते हो अभी तक क्या अब भी तुम्हें ऐसी खराफात का दुख है <laughs> क्या आ, बात है क्या आ, बात है? आ, जी तो चार्थ, चार्थ, बस जी चार्थ, चार्थ, चार्थ। ये चूंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कुछ उनकी फील खुद को जितने खाब दिखाकर हिजरत की बहुत अच्छा खुद को जितने खाब दिखाकर हिजरत की उनसे बढ़कर ख्वाब जलाकर हिजरत की खुद को जितने ख्वाब दिखाकर हिजरत की उनसे बढ़कर ख्वाब खाब जलाकर हिजरत की और बताई बात बड़ों को महफिल में और बताई बात बड़ों को महफिल में बच्चों को कुछ और बताकर हिजरत की बच्चों को कुछ और बताकर हिजरत की और महफिल में चेहरे पर इतनी नान रखा महफिल में चेहरे पर इतनी नान रखा तन्हाई में अश्क बहाकर हिजरत की मंज़र मंज़र अफसरदा था जब निकले मंजर मंजर अफसरदा था जब निकले हर मंज़र से आँख चुरा कर हिजरत की कब्रिस्तान की मिट्टी शोर मचाती थी कब्रिस्तान की मिट्टी शोर मचाती थी मिट्टी की आवाज़ दबा कर हिजरत की कब्र बहुत शुक्रिया जी कब्रिस्तान की मिट्टी शोर मचाती थी मिट्टी की आवाज़ दबा कर की कितने ताज़ा फूल मसल कर फेंक दिए कितने ताज़ा फूल मसल कर फेंक दिए फिर कागज़ के फूल सजा कर की और आखिरी शहर के और दुआओं को भी हाथ उठाए थे और दुआओं को भी हाथ उठाए थे आखिर हमने हाथ उठाकर हिजरत की बहुत शुक्रिया सर शुक्रिया बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब डॉक्टर सगीर असलम बहुत अच्छी शायरी हमारे साथ सांझी कर रहे थे हम अपने कवि दरबारों में कोशिश करते हैं जो इमरजिंग न्यू पोइट्स हैं जो हमारी नई नस्ल के पोइट्स हैं उनको भी हम शामिल करें हमारे साथ आ, एक ए, ऐसी ही पोइट हैं सृष्टि शर्मा जो हमारे बहुत ही बढ़िया दोस्त सूजवान राइटर डॉक्टर सुनील शर्मा और उनकी बेगम जो बहुत बढ़िया पोइट हैं डॉक्टर संगीता शर्मा उनकी बेटी हैं तो सृष्टि शर्मा आ रही हैं और हमें अपना कलाम सुनाएंगे सृष्टि आ जाइए इधर गुड इवनिंग एवरीवन I am Srishti Sharma. I work at Air Canada, otherwise, a reader and a writer. I would like to thank uh, Tahir Gora, sir, and Halima, madam, for giving me this wonderful opportunity of presenting this poem in the presence of such an august audience of well known authors. And lastly, thanks to my parents. I am who I am because of them. Thank you for being my constant cheerleaders and motivators. Although I have written quite a few poems, but considering the sad situation of the Canadian wildfires and um, the floods in Japan. An overall deterioration of the Mother Earth and the way it is being abused. I thought my poem on Earth Day is the most apt that I can recite today. Here it goes Earth Day is a special one as it gives us soil, water, and sun. The earth does not let us starve till it has its spark. Don't let it go dry, otherwise, we will die. Let's plant more trees, it will make the earth reap. Let's plant trees, it will make home. For you and me, let's save water. It could only be less hotter. Try to reuse and recycle for a healthier environmental cycle. This is our earth that brings us mirth. Let's take its care. फोर इट गोज़ डेसिक्रेट थैंक यू अगेन थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच श्रिस्तीम हम बिल्कुल इनक्रेज करते रहते हैं जो हमारे इमर्जिंग पॉइंट्स हैं उनको और ये एक अच्छा साइन है कि नए नसल के लोग भी शेर से जुड़े रहे हुए हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं अब मैं एक बहुत ही सीज़न्ड पोइट को बुला रहा हूँ और उनकी जो प्रोज़ हैं जैसे मैं लिखता हूँ वो तो गज़ल भी लिखते हैं और आज़ाद नज़म भी लिखते हैं हर तरह की शायरी करते हैं बहुत ही जाने पहचाने और माने हुए शायर जनाब सलमान हैदर साहब एक उनकी नज़म के बारे में फरमाइश तो मैं करूंगा मौके की वजह से लेकिन पहले वो अपनी मर्जी से कुछ कलाम प्लीज जंग के हवाले से एक मोर्चे खोदने का कफारा देने को मोर्चे खोदने का कफारा देने को कब्रें जिस्मों से पुर करनी पड़ती हैं मोर्चे खोदने का कफारा देने को कब्रें जिस्मों से पुर करनी पड़ती हैं बूढ़ी कमरे बेटों के दफनाने को झुकती हैं सीधी नहीं होती बूढ़ी कमरें बेटों के दफनाने को झुकती हैं सीधी नहीं होती कब्रों पर जो पानी छिड़का जाता है चक्कर देखो उसमें नमक है पाँती लगकर आप ही आप सुलगने वाली उस औरत ने जंग छिड़ने से ख्वाबों के दफनाने तक खुशबू नहीं पहनी सिरहाने पर हाथ फेरती माँ से पूछो जीता कौन तमगे जिस सोने से ढाले जाते हैं उसमें से नीयत का खोट अलहदा करना नामुमकिन है वा, वा बारे। देक, बारे। देक, जो तो 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 है वो आपकी <सी> तुमको शायद मुझसे ज्यादा दर्द मिले हैं तुमको शायद मुझसे ज्यादा दर्द मिले हैं ऐसा करना अब हम जब भी मिल बैठे अपने सारे दर्द उठाकर दुखते चुभते लम्हे लाकर मेरे सामने ढेर लगाना तुमको शायद मुझसे ज्यादा दर्द मिले हैं ऐसा करना अब हम जब भी मिल बैठे अपने सारे दर्द उठाकर दुखते चुपते लम्हे लाकर मेरे सामने ढेर लगाना और तो मेरे बस में क्या है और तो मैं क्या कर सकता हूँ सुख तो मेरे पास भी कब है लेकिन इतना कर सकता हूँ तुमसे आधे दर्द चुरा कर दर्द को आधा कर सकता <fácil verbs> <Deswegen guest Thai voice> वाग, 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 और तो मेरे बस में क्या है और तो मैं क्या कर सकता हूँ सुख तो मेरे पास भी कब है लेकिन इतना कर सकता हूं तुमसे आधे दर्द चुरा कर दर्द को आधा कर सकता हूँ तुमको शायद इल्म नहीं है तुम तो ऐसा करते ही हो मैं भी ऐसा कर सकता हूं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत एक नसरी नजम दीवानगी का महल वकू हम तुम्हें कहीं भी मिल सकते हैं हम तुम्हें कहीं भी, हम, हम द, <ones> )right कहीं भी मिल सकते हैं इन घरों में जहां हम जिन्हें हम दफ्तरों के उन घरों में जिन्हें हम दफ्तरों से लौटने के लिए किराए पर लेते हैं हम तुम्हें कहीं भी मिल सकते हैं उन घरों में जिन्हें हम दफ्तरों से लौटने के लिए किराए पर लेते हैं या उन दफ्तरों में जहां हम इन घरों का किराया देने के लिए नौकरी करते हैं हम तुम्हें कहीं भी मिल सकते हैं उन घरों में जिन्हें हम दफ्तरों से लौटने के लिए किराए पर लेते हैं या उन दफ्तरों में जहाँ हम इन घरों का किराया देने के लिए नौकरी करते हैं उन गाड़ियों में जो हमें सुबह घर से दफ्तर ले जाने के लिए खड़ी इंतजार करती हैं उन गाड़ियों में जो हमें, हमें सुबह घर से दफ्तर ले जाने के लिए रात भर खड़ी रहती हैं या उनमें जो हमें शाम को घर वापस लाने के लिए इंतजार करती हैं उन दुकानों में जहाँ जहाँ से हम काबिल कबूल बनाए जाने के लिए लिबास ख़रीदते हैं जहाँ उन ख्वाबगाहों में जहाँ हम कबूल किए जाने के बाद वो लिबास उतार फेंकते हैं उन रेस्तरानों में जिन्हें हम घर जैसा खाना खाने के लिए तलाश करते हैं भाँ। भाँ। या उन बावर्ची खानों में जिन्हें हम रेस्तुरान जैसा खाना बनाने के जहाँ हम रेस्तरा जैसा खाना बनाने के लिए हलकान होते हैं उन हस्पताों में जहाँ हम, हम अपने जैसे इंसान पैदा करते हैं या उनमें जहाँ हम अपने जैसे इंसानों के मरने का इंतज़ार करते हैं उन नज़मों में जो हम जैसे लोग लिखते हैं या उनमें जो हम जैसे लोगों पर लिखी जाती हैं हम तुम्हें कहीं भी मिल सकते हैं सर बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सूरज के फ्लैट से सूरज ने, तो <ड़ीज़ा> हा, हा। सूरज ने तुम्हें देखने के लिए समंदर के उस पार तुम्हारी खिड़की के सामने वाला फ्लैट खरीद लिया सूरज ने तुम्हें देखने के लिए समंदर के उस पार तुम्हारी खिड़की के सामने वाला फ्लैट खरीद लिया तुम्हारी साइकिल का हैंडल तुम्हारे हाथ की हिद्दत जज्ब करने को सारी रात ओस में भीगेगा फ्रिज में फ्रिज में रखी यखबस्ता बोतल सोचती है तुम अपने होठों का दायरा किस प्रकार से बनाती हो चाय के मग का ख्याल है कि तुम्हें किसी सर्द मुल्क की तरफ चले जाना चाहिए मेरे पास बहुत सी बातें हैं और दिन के पास सिर्फ चौबीस घंटे लफ्ज बनाने वाला कारीगर मोहब्बत की छुट्टी पर जा चुका है खामोशी शायरी की एक सेंफ है वाँगा। 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 मैंने फरमाइश की है उसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड दे दूं ज़्यादा नहीं दूंगा मैं इनको मसले में नहीं डालना चाहता एक उन्होंने बड़ी सेंसिटिव नज़म लिखी जिस पर इनके लिए मसाइल खड़े हुए लेकिन वो जो हम आज सुबह से बातचीत कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट है उसको उन्होंने एड्रेस किया था और कुछ नहीं किया जी इस नज़म का उन्होंने काफिर काफिर मैं भी काफिर तू भी काफिर फूलों की खुशबू भी काफिर लफ्ज़ों का जादू भी काफिर ये भी काफिर वो भी काफिर फैज़ भी और मंटो भी काफिर मैं भी काफिर तू भी काफिर फूलों की खुशबू भी काफिर लफ्ज़ों का जादू भी काफिर ये भी काफिर वो भी काफिर फैज़ भी और मंटो भी काफिर तबला काफिर ढोल भी काफिर प्यार भरे दो बोल भी काफिर सुर भी काफिर ताल भी काफिर भंगड़ा अतन धमाल भी काफिर धादरा ठुमरी भैरवी काफिर काफ़ी और ख्याल भी काफिर वारिस की हीर भी काफिर चाहत की जंजीर भी काफिर ज़िंदा मुर्दा पीर भी काफिर नज़र न्याज की खीर भी काफिर बस्ते का बेटा भी काफिर बेटी की गुड़िया भी काफिर हंसना रोना कुफर का सौदा गम काफिर खुशियाँ भी काफिर जीन्स भी और गिटार भी काफिर टखनों से नीचे लटके तो अपनी ये शलवार भी काफिर जीन्स भी और गिटार भी काफिर टखनों से नीचे लटके तो अपनी ये शलवार भी काफिर फन भी और फनकार भी काफिर, जो मेरी धमकी ना छापें वो सारे अखबार भी काफिर। यूनिवर्सिटी के अंदर काफिर, यूनिवर्सिटी के अंदर काफिर। डार्विन उसका बंदर काफिर, फ्राइड पढ़ाने वाले काफिर, मार्क्स के सब मतवाले काफिर, मेले ठेले कुफर का धंधा गाने बाजे सारे फंदा मंदिर में तो बुत होता है मस्जिद का भी हाल बुरा है मंदिर में तो बुत होता है मस्जिद का भी हाल बुरा है कुछ मस्जिद के बाहर काफिर कुछ मस्जिद के अंदर काफिर मुस्लिम मुल्क में अक्सर काफिर 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 मैं भी काफिर 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 तू भी काफिर बहुत शुक्रिया वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया सलमान हैदर साहब बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर संगीता शर्मा जी से कि अपनी Uh, अंग्रेजी की एक नजम सुनाए डॉक्टर संगीता शर्मा साहब तशीफ लाइया डॉक्टर साहब की अंग्रेजी पोम्स की बहुत सारी किताबें पब्लिश हुई हैं हाँ जी। 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 तो एक किताब में से मैंने ये अभी स्नैप लिया है जी प्लीज अलोंग द वे मेरी बुक का नाम है और ये एक फैमिनिस्ट पोएम है मेरी वुल्स्टन क्राफ्ट का अगर आपने सुना हो मतलब शी थॉट दैट वमेन आर एज रैशनल एज मैन एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड दे शुड बी अ सोशल ऑर्डर विच इज़ फाउंडेड ऑन रीजन दैट वॉज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ हिज बुक ऑफ हर बुक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन सेवनटीन नाइंटी टू Girls are not silly, that's the title of the poem. As Mary Wollstonecraft believes, women are as rational as men. I too. Girls are very sharp, they know when to be quiet and when to articulate their emotions, erudite. When to stand for their right and when to be suffice. They can understand the silence that falls to curb tears and where the words have hurt their beloved mothers. Girls are very sharp. They know what type of match will be right for their future. Which boy will fill the time gap and who can plug in her heart the void? They are not lured by the looks, it's the touch, touching words of concern from her male friend that trigger the step bold of taking the vows sacred. She is so wise that she gives her prize. Of fond gifts without thinking twice and surmise, the smile and tears joyful, kindly and graciously. Then, isn't Wollstonecraft right when she says that women are as rational as men? If they are silly, it is only because the society trains the women to be irrelevant. थैंक यू आई होप यू लाइक we अगेन really appreciate अब मैं दरख्वास्त गुजारू जनाब असर अकबर आबादी साहब से बहुत अच्छी गजल कहते हैं तशीफ भाई असर साहब एक शेर अर्ज किया है कि मुझे खिलौना समझ कर जो उसने तोड़ा था मुझे खिलौना समझकर जो उसने तोड़ा था मेरा वजूद जो बिखरा तो वो भी टूट गया शुक्रिया मेरा वजूद जो बिखरा तो वो भी टूट गया और दो चार शेर और सुनाता हूँ कि पहले जख्मों को मेरे ख़ुद वो हवा देते हैं पहले जख्मों को मेरे ख़ुद वो हवा देते हैं फिर वो कुछ प्यार का मरहम भी लगा देते हैं फिर वो कुछ प्यार का मरहम भी लगा देते हैं और दिल दुखाना तो कोई उनकी अदा से सीखे दिल दुखाना तो कोई उनकी अदा से सीखे जख्म हर रोज मेरे दिल को नया देते हैं बहुत अच्छे शुक्रिया दख्म हर रोज मेरे दिल को नया देते हैं और मैं तो चाहत में गिरफ्तार हूं हर पल उनकी मैं तो चाहत में गिरफ्तार हूँ हर पल उनकी फिर वो किस बात की नफरत से सजा देते हैं वाह वाह और ये शेर ये है इस तरह प्यार से हर पल वो सता, सताते हैं कि बस इस तरह प्यार से हर पल वो सताते हैं कि बस आग सीने में मोहब्बत की लगा देते हैं आग सीने में मोहब्बत की लगा देते हैं और क्यों ना हर बात पे क्यों ना हर बात गवारा या आखिर लब लुआब है इसका कि क्यों ना हर बात गवारा हो मुझे उनकी असर क्यों ना हर बात गवारा हो मुझे उनकी असर अपनी चाहत मेरे दिल में वो जगा देते हैं wow. अपनी चाहत वो मेरे दिल में जगा देते हैं wow. और अब एक गज़ल तरन yeah. से सुना देता हूँ पसंद आए जी मतलब पलकों पे कल तलक तो बिठाया गया मुझे पलकों पे कल तलक तो बिठाया गया मुझे फिर आज क्यों फिर आज क्यों नजर से गिराया गया मुझे फिर आज क्यों नजर से गिराया गया मुझे पलकों पे कल तलक तो शेरस किया है इन अहले अंजुमन का रवैया तो देखिए इन अहले अंजुमन का रवैया तो देखिए लम्हा लम खूब सताया गया मुझे इन अहले अंजुमन का रवैया तो देखिए लम्हा लमहा खूब सताया गया मुझे और ये शेर बतौर खास है मुझको उठा के ताक मेरा रखा है बार बार मुझको उठा के ताक मेरा रखा है बार अक्सर जला जला के बुझाया गया मुझे अक्सर जला जला के बुझाया गया मुझे और ये एक जेर भी देख लिए कि इज्जत बराए नाम तो जिल्लत बराए शर इज्जत बराए नाम तो जिल्लत बराय मैं महफिल से उनकी ऐसे उठाया गया मुझे शुक्रिया महफिल से उनकी ऐसे उठाया गया मुझे और ये शेर भी देखिए के रखा मुझे अंधेरों में गुम उसके बाद फिर रखा मुझे अंधेरों में गुम उसके बाद फिर जुगनू की रोशनी से डराया गया मुझे रखा मुझे में गुम उसके बाद फिर जुगनू की रोशनी से डराया गया मुझे और ये फिर एक शेर और है कि खुश मुझको मुझ कलम ने लिखा खुश फिक्र मुझको एहले कलम ने लिखा ज़रूर फिर खुद ही उनके हाथों मिटाया गया मुझे फिर खुद ही उनके हाथों मिटाया गया मुझे आखिरी शेर है कि शेर ये तंजिया कुछ है थोड़ा सा हो गया कोई मैं माफी चाहता हूं किसी को अगर कुछ गिरा गुजरे तो मैं के शेरों सुखन में क्या है मकाम मकामू का शेरो सुखन में क्या है मकाम जु का हर शेर हर गजल में जताया गया मुझे हर शेर हर गजल में जताया गया मुझे मकदार किया है कि खौफ खुदा में कोई असर ही नहीं रहा खौफ खुदा में कोई असर ही नहीं रहा इस दर्जा जिंदगी से डराया गया मुझे खौफे खु शुक्रिया खौफे खुदा में कोई असर ही नहीं रहा इस दर्जा जिंदगी से डराया गया मुझे पलकों पे कल तो बिठाया गया मुझे फिर आज क्यों नजर से गिराया गया मुझे शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत, बहुत। समातो का बहुत बहुत, बहुत।, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जनाब असर अकबर आबादी साहब आपने अपने उम्दा कलाम से नवाजा महफल को गरमाया अब मैं मुल्तमसूँ पंजाबी के नामवर अदीब और शायर जनाब सलीम पाशा साहब से सलीम पाशाह साहब की पंजाबी शायरी और नसर की बहुत सारी किताबें शाया हो चुकी हैं जनाब सलीम पाशा साहब सबसे पहले मैं छोटी सी नजम पेश करूंगा जी आप सब लोगों की इजाज़त से नज़म का अनुमान है जी लपको जीवन को जीवन दही रब्बा, रबा को जीवन दही ओ रब्बा चौखे दी ना लौड़ पहले ही लमिया उमर ने जीवन दिता है खोर बहुत अच्छा को जीवन दही ओ रब्बा चौखे दा लोड, पहले ही लमिया उमर ने जीवन दिता खोर। खौर को जीवन जड़ा अपना होए। ਲੱਭ ਕੋ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵਾ ਉਹ ਖਿੜ-ਖਿੜ ਹਸੇ ਰੋ ਪਵਾਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਵੇ ਐਹ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇਈਓ ਰੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹਾਇਤੀ ਐਹ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਸਦੀਆਂ ਭੋਗ ਕੇ ਲੈ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਬਨਾ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਸਦੀਆਂ ਭੋਗ ਕੇ ਲੈ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਬਨਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਹੋਂਦੀ ਰਹੀ ਸੁਆ ਮੈਂ ਚੰਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿਆੰਡੇ ਕੀਤੇ ਸਾ ਫਿਰ ਤੱਕੋ ਤੱਕੀ ਅਜ਼ਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ मेरे लूलू दे लू उगया अज सुला भरिया का दी मंडी खल के अज पुछा अपना पा क्या बात क्या बात मेरे लूलू दे उगया अज सुलों भरया का वेले दी मंडी खल के अज wow! wow. पुछया अपना पा मैं तन मन अपना खोर के जमे कई सुकरात yeah, मैं तन मन अपना खोर के जमे कई सुकरात ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਹਨੇਲ ਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹਯਾਤੀ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਖਾ ਦੀ ਮਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਵਾਹ 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 ਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਸੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਸਜਾ ਹਸਾ ਏ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਏ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਨ ਤੋਂ ਢੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਹਾਸਾ ਹਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਪਤਾ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਮਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਦ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੱਥ ਨੂੰ टुकना पेगा वेला आ चुक है लोगों अपने हक लैन का जलमान मूहों से सचिया गलां कह दुकिया है wow. बहुत 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 सोहनिया जी बहुत सोहनिया थैंक यू पाशाह साहब बहुत, बहुत शुक्र गुजार है धन्यवाद है बड़ी सोहनिया नजमां सुनाइया तो हूँ असी अपने स्टेज की तरफ आ हैं मंच पर जो बैठे हुए हमारे साथी हैं अब उनकी शायरी सुनते हैं मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा समा अमीना साहबा से कि अपने कलाम से नवाजें सब हाजरीन महफिल की खिदत में आदाब मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है पंजाब से और कैनेडा आए कुछ चार बरस हुए और विंजर में आजकल मैं मुकीम हूँ और वहाँ से आई हूँ स्पेशली और इशफाक साहब का बहुत शुक्रिया उन्होंने मौका दिया गज़ल के कुछ शेर से पेश करती हूं आप सबकी इजाजत से सदरे मुशायरा की इजाजत से कहोगी दिल हमो दीनार की तलाशी औरों को कहो गीत हम दीनार की तलाश मुझको तो है कहानी में किरदार की तलाश आरों को हो गिदर हम दीनार की तलाश मुझको है एक कहानी में किरदार की तलाश हैरान हूँ के कितने किित नहीं शान पेसर नहीं हैरान हूँ शानों पे सर नहीं फिर भी है उनको गुमशुदा दस्तार की नहीं। तलाश फिर भी है उनको गुमशुदा दस्तार की तलाश मुझको तो है कहानी में किरदार की तलाश चलते रहे हथेली पर रख कर निगा शौक wow. चलते रहे हथेली पे रख कर निगाहें शौक हर सू लिए फिरी है हमें यार की तलाश शुक्रिया हर सू लिए है हमें यार

भी कोई नजर पड़े बाजार में है चश्मे खरीदार की तलाश शुक्रिया जी चाहता है मुझ पे भी कोई नजर पड़े बाजार में है चश्मे खरीदार की तलाश आखिरी शेर है अब दिल से तेरा दर्द समेटाना जाएगा अब दिल से तेरा दर्द समेटा न जाएगा मुझको है अपने जैसे ही बीमार की तलाश अब दिल से तेरा दर्द समेटा न जाएगा मुझको है अपने जैसे ही बीमार की तलाश मुझको तो है कहानी में किरदार की तलाश औरों को दीर्घमो दीनार की तलाश कुछ बहुत बहुत अच्छी गजल है बहुत अच्छी गजल थैंक यू दस साल के बाद आज स्टेज पे दोबारा से कुछ तो मैं बहुत नर्वस हूँ <laughs> एक और गजल के चंद शेर <laughs> ये कैसी हम तम ये कैसे किस्मत के फैसले हैं बेखयारी ये कैसी हम तम ये कैसे किस्मत के हैं के रब ते हम तो हो रहा है पे दिल कभी भी ना मिल सके हैं सब आते हस्ती का क्या बताएं के चंद लम्हों का खेल है ये सब आते हस्ती का क्या बताएं के चंद लम्हों का खेल है ये तो फिर ये कैसी अदावते हैं तो फिर ये कैसी अदावते हैं दिलों में कैसे ये फासले हैं हमारे ख्वाबों की सारी रौनक तुम्हारा आना तुम्हारा जाना क्या बात अच्छा हमारे ख्वाबों की सारी रौनक तुम्हारा आना तुम्हारा जाना जभी तो आलम बदल रहा है ये सब मोहब्बत के सिलसिले हैं जभी तो आलम शुक्रिया बहुत शुक्रिया बदल रहा है ये सब मोहब्बत के सिलसिले हैं ले आखिरी शेर तुम्हारी यादों से किताब हस्ती के बाब सारे तुम्हारी यादों से है किताब हस्ती के बाब सारे तुम्हारी खुशबू से है ग़ज़ल में जितने भी काफिए हैं तुम्हारी खुशबू से है मुआ गजल में जितने भी काफिए है बेखयारी कैसी हम ये कैसे किस्मत के फैसले हैं बहुत अच्छी शायरी आपने सुनाई है बहुत शुक्रगुजार हैं मैं गुजारिश करता हूं कश्मीर की एक और बड़ी अहम आवाज आ, कश्मीर में भी बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं यहाँ पर भी अंग्रेज़ी में शायरी करते हैं अंग्रेज़ी दान हैं अंग्रेज़ी उस्ताद हैं भूषण भाट जी खातिन हजरा मैं ताहिर गोरा और ऑर्गेनाइज़र्स और का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ कुछ लाइंस बोलने का मौका दिया गया इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं इसमें कॉन्टेक्स्ट रखना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं आपके एक दो मिनट कॉन्टेक्स्ट इस पोएम का जो है वो आपको बताता हूं मैं कश्मीर में पैदा हुआ मेरी सारी जो पढ़ाई और आई ग्रू अप देर और 22 साल की उम्र में मैं लेक्चरर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था डेढ़ साल दो साल में वहाँ पढ़ाया उसके बाद मैं दो चार साल बाहर रह के मैंने वो जॉब छोड़ के एक मैनेजरियल जॉब इंश्योरेंस कंपनी में लिया अब जो ये मंजर एक्चुअली मैंने ये पोइम जो है आज सुबह ही लिखी क्योंकि मुझे वो मंज़र 1989, 90 और 91 का याद आ गया तो ये कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है कि 86 से जो वहाँ पे डिवास्टेशन हो गई जो वहाँ पे अकलीत थी जो वहाँ की अकलीत थी वो बाक़ी हिंदुस्तान की अक्सरियत थी और उस उनको पहले अनंतनाग में वहाँ काटा गया और उसके बाद 87 के बाद वहाँ गन्स आने शुरू हो गए और वो गन्स आहिस्ता आहिस्ता आते गए आते गए और एक दिन था शायद आपने आज पहले भी सुना होगा उन्नीस 19 जनवरी 1989, जबकि पूरा शहर सारे लोग सड़कों पे आ गए जो टेररिस्ट थे जिनके हाथों में बंदूक थे उन्होंने मस्जिदों पे कब्जा किया और वहाँ से नारे लगाए और शायद आपने कश्मीर फाइल जैसी फिल्म में देखा होगा रिलीव कल्यू तो चलियू वो नारे लगाए मैं उस वक्त वहीं पे था मेरी शादी तीन चार साल की थी हुई थी और मेरा एक लड़का तीन साल का था तीन साल थी तो वो पीछे बैठे और एक टॉडलर था अब जब उस वक्त ऑलमोस्ट हाफ अ मिलियन लोग पलायन कर चुके थे दे ऑलरेडी लेफ्ट द वैली मैं भी चला गया और मेरी फैमिली जो है वो जम्मू में थी और मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा श्रीनगर और मेरा ऑफिस जो था वो रीगल चौक में था रीगल चौक में ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जो फेल्ट एक्सपीरियंस है हम देखते हैं दूसरे लोगों से समझते हैं या जो वहां जाते हैं लेकिन जब आप उस खतरे में होते हैं तो आपके दिल और दिमाग में क्या चलता है वो एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूं तो उस वक्त मैं डिविजनल मैनेजर एक ऑफिस में था रिगल चौक में और मेरा ऑफिस एक बहुत ही बड़ा हॉल जैसे ये है वैसे ही था और मैं एक कोने में मेरा एक कैबिन था और मेरे एम्प्लॉज जो हैं वो 70 एटी परसेंट पलायन कर चुके थे कुछ लोकल लोग वहाँ पे मेरे साथ थे मजबूरन में वहाँ था और उस कैबिन में जब मैं बैठता था तो अगर कोई दरवाज़ा खोलता तो आई वुड हैव ए chill इन माई स्पाइन कि कोई भी आके बंदूक लेके आपको गोली मार सकता अब एक दिन में पहले जब भी कोई आता तो मैं आई वुड गेटअप अब वो गेटअप करते करते मैंने एक पेपर वेट हाथ में लिया अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं गिवअप नहीं करूंगा मैं फाइट करूंगा और मैं कैसे फाइट करूंगा मैं सोचता हूं कि मैं पेपर वेट वेपनाइज करूंगा और अगर मुझे कोई गोली मारने की कोशिश करे मैं वो कोशिश करूँगा कि वो वापस अपने आप को डिफेंड करूँ तो यही थॉट्स मेरे चल रहे थे और फिर मैं ये सोचता हूँ कि भाई हाउ डू आई डिफेंड माई सेल्फ हाउ डू आई प्रैक्टिस बिकॉज आई मे नॉट हैव द करेज टू थ्रो इट थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस फिर मैं बॉलिंग प्रैक्टिस करता था खेलते खेलते जो वहाँ एम्प्लॉइज थे वो समझते थे वो समझने लगे कि शायद बट साहब को क्रिकेट खेलना का शौक हो गया है लेकिन मैं अंदर से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था ये बैकग्राउंड है और ये आज सुबह ही मैंने लाइनें लिखी हैं तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ तो हो सकता है इसमें कमियाँ हों, उसके लिए माजरत चाहता हूँ क्योंकि आज सुबह की कोई रिविजन कुछ नहीं किया है मैंने इसमें कश्मीर जो कहा जाता है बीच बीच में को एक दो कमेंट पे बोलूंगा और वो मौर्य डायनास्टी ने इस्टेब्लिश किया था श्रीनगर दैट इज वाई आई स्टार्ट लाइक दिस ने इन रीगल चौक इन मौर्या श्रीनगर सराउंडेड बाई वीपिंग पॉपुलर्स एंड चिनार ट्रीज नॉर्मली इंग्लिश पोइट्री में अगर आप शेक्सपियर वगैरह पढ़ें पढ़ें तो उसमें वीपिंग विलोज बहुत जगह उसका रेफरेंस आता है लेकिन मैं यहां पे वीपिंग पॉपुलर्स एंड चिनार ट्रीज इसलिए बोल रहा हूँ जो हमारे साथ हुआ था उसकी वजह से दे वर वीपिंग पॉपुलर्स एंड चिनार ट्रीज माई ग्लास कैबिन ले रादर फॉर आई हैड नो पेपर्स बट सॉलिड पेपर वेट्स गलोर जो पेपर मैंने जमा किए थे Once surrounded by the bustling and chirping employees, most have now fled, leaving behind an eerie emptiness. In the open, I take my stand, paperweights ready, firm in my hand. Employees fled, a few remain. Fear of lurking shadows taints the terrain. Who is a friend? एंड हु इज अ फो इनोसेंट विक्ट हैव नो वेट नो वहाँ पर जब किसी को मारते थे जब मेरे मेरे साथ जो काम करते थे बहुत क्लोज थे वो एक मेरा एम्प्लॉ था उसका नाम था मोहम्मद सुल्तान ही वॉज़ वेरी क्लोज टू इसलाउद्दीन और वो मुझे पहले ही खबर देता था कि भाई बट साहब मैं आज नहीं आ रहा मैंने क्यों भाई क्या हुआ पलहालन में आज एक्शन हो रहा है ग्यारह बजे उसको पहले इंफॉर्मेशन होती थी दैट वॉज द सिचुएशन एवरी टाइम द ऑफिस डोर ओपन्स इट सेंड्स अ चिल डाउन माई स्पाइन ये दो लाइनें गौर से सुनिए एवरी टाइम द ऑफिस डोर ओपन इट सेंड्स अ चिल डाउन माई स्पाइन एज क्लास्टिक ऑफ अंडर देरन फेरन जॉम पहनते थे जो उसके नीचे होते थे हैंग लाइक स्पेशल टॉयज फ्रॉम हेवन जो जहादी अपने आप को कहते थे वो बोलते हैं हमारा स्पेशल टॉय हेवन से आया है ये खुदा ने हमें भेजा है और विक्टिम्स हम होते थे द विंड विस्पर सीक्रेट्स स्टोरीज अनट्रू बट बोल्डली टोल्ड The wind whispers secrets, story untrue, but boldly told, those coward enemies to them sold. Those covered enemies to them sold when a friend became a mukbir foretold i know not what else to do except making makeshift weapons every ounce in me tells me to defend what remains but how do i consummate the art of defense there is no shooting range or a cricket ground बोलिंग एक्शन प्रैक्टिस एंड ट्रू टू डिफेंड एवरी ब्रेथ आई डीपली परस्यू अब एक एम्प्लॉ मुझे पूछता है सर डू यू स्पिन और बोल फास्ट क्योंकि मैं कॉरिडोर में चलते चलते प्रैक्टिस करते रहता हूं यू नो उनको लगता है बोलिंग की प्रैक्टिस करते हैं इनको क्रिकेट खेलने का शौक है विंटर है तो मेरी सोच कुछ और है सर डू यू स्पिन और बोल फास्ट

और मैं ऑफिस बहुत कम जाता था और लेकिन मैं कुछ गुडविल अपनी गुडविल मैंने जो काफ़ी क्रिएट थी उस वजह से वहाँ बचा रहा वो टिका रहा बहुत देर तक लेकिन एक दिन मुझे इन्फॉर्मेशन आई जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत करीब थे कि आप आज जाइए कल आपका किडनैपिंग है एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी वो इट वाज नेक्स्ट डे इट वाज ऑन ऑल इंडिया रेडियो नौ बजे और एक ब्रांच मैनेजर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी का था उसको किडनैप किया था मेरी जगह तो ये चार लाइन उसके बारे में है आई की प्रैक्टिसिंग टिल वन डे आई हियर दे आर कमिंग टू टेक मी अवे आई लाइक माई अदर फ्रेंड्स आई एम फोर्स टू फ्ली बट ट्रस्ट मी आई विल बी बैक टू माई सेंचुरी आई विल बी बैक टू माई सेंचुरी मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ मानुषी चटर्जी से अपने कलाम से नवाज़े थैंक यू ताहिर भाई हलीमा भाभी आप लोग आपने मुझे यहाँ पर बिठाया है इसी में मुझे डर लग रहा है <laughs> तो इतना बहुत खूबसूरत नज़में हुई हैं बहुत अच्छी गज़लें भी हैं और अभी जो भट्ट साहब ने सुनाया वो तो ऐसा लगता है जैसे एक दर्द दिल में जो स्कार बन जाता है वो कभी नहीं छूटता इस तरह की चीज़ें सुनकर और बहुत ज़्यादा इसके बाद मैं क्या सुना मुझे नहीं पता एक शुरुआत कर रही हूँ एक बहुत छोटी सी नज़म है कविता है जो कि जैसे हम कहते हैं हिंदी में जो आपने कहा मुक्त छंद कहते हैं या जिसमें कि कोई वो नहीं होता मीटर नहीं होता कुछ गम बहुत शांत होते हैं कुछ गम बहुत शांत होते हैं धीर गंभीर यानी बहुत सीरियस कुछ गम बहुत शांत होते हैं धीर गंभीर बहुत अंदर एक हल्की सी टेढ़ी मुस्कान लिए जैसे कोई बूढ़ा ज्ञानी कुछ गम बहुत शांत होते हैं धीर गंभीर बहुत अंदर एक हल्की सी टेढ़ी मुस्कान लिए जैसे कोई बूढ़ा ज्ञानी बुद्ध बन जाते हैं बुद्ध बन जाते हैं छू नहीं पाती है उन्हें कोई खुशी कोई जिंदगी कोई खालीपन अपने में भरे होते हैं अपने में भरे होते हैं संतुष्ट सेटिसफाइड कोई छू नहीं पाती है उन्हें कोई खुशी कोई जिंदगी कोई खालीपन अपने में भरे होते हैं संतुष्ट सीने के भीतर जो दर्द सुलगता है उससे तापते हैं अपना होना सीने के भीतर जो दर्द सुलगता है उससे तापते हैं अपना होना और जी लेते हैं खुद को क्योंकि वे बहते नहीं सीने के भीतर जो दर्द सुलगता है उससे तापते हैं अपना होना और जी लेते हैं खुद को क्योंकि वे बहते नहीं इसलिए खुद होते हैं गहरे समंदर पर सतह पर कोई जान नहीं पाता सतह यानी सरफेस, पर सतह पर कोई जान नहीं पाता कि तह में चल रहा होता है एक भावर बहुत के तह में यानी बहुत अंदर एक भंवर चल रहा होता है करंट सीने के भीतर जो दर्द सुलगता है उससे तापते हैं अपना होना और जी लेते हैं खुद को क्योंकि वे बहते नहीं इसलिए खुद होते हैं गहरे समंदर पर सतह पर कोई जान नहीं पाता कि तह में चल रहा होता है एक भंवर फूट रहा होता है एक ज्वालामुखी वोल्केनो फूट रहा होता है एक ज्वालामुखी उफनती है एक सुनामी और एक जिंदगी हो जाती है आप तरनुम में कुछ सुना गजल कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी क्योंकि कुछ कही है मैंने तो ये जहां मेरा नहीं है ये जहा मेरा नहीं है या कोई मुझ सा नहीं है ये जहाँ मेरा नहीं है या कोई मुझसा नहीं है ये जहां मेरे अपने आईने में मेरे अपने आईने में अक्स क्यों मेरा नहीं है मेरे अपने आईने में अक्स क्यों मेरा नहीं है ये जहां उस की मेरे सपने उस की मेरे सपने कोई भी सोता नहीं है उसकी रातें मेरे सपने कोई भी सोता नहीं है ये जहाँ मेरा नहीं है अगला है देखते हो आदमी जो देखते हो आदमी जो उसका वो चेहरा नहीं अच्छा। है देखते हो आदमी जो उसका वो चेहरा नहीं है ये जहाँ मेरा नहीं एक जरा भी एक जरा भी यहाँ पर तेरा या मेरा नहीं है ये जहाँ मेरा नहीं और आखिरी शेर है या जिसे मैं कहना चाहूँगी मकता है दर्द के किसे हज़ारों दर्द के किसे हज़ारों दोस्त सब कहता नहीं है ये जहा मेरा नहीं है शुक्रिया जी माइक अमित बजाज भाई के हाथ में है इन्हीं से गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें और आप तरन्नम में भी बहुत अच्छा सुनाते हैं नहीं नहीं मैं <laughs> तरन्नम सुनता बहुत अच्छा हूँ <laughs> एक ताज़ा गज़ल है सर इजाजत दिखाई एक से देंगे सो करना सुन के अलग क्या दिखाई एक से देंगे सो करना सुन के अलग वो अपनी धुन के अलग हैं हम अपनी धुन के अलग दिखाई एक से देंगे सो करना सुन के अलग वो अपनी धुन के अलग हैं हम अपनी धुन के अलग और हम ऐसे लोग कबाएँ हैं बढ़ते बच्चों की हम ऐसे लोग कबाएँ हैं बढ़ते बच्चों की कि जिनको रख दिया जाता है पहले बुन के अलग हम ऐसे लोग खवाएं हैं बढ़ते बच्चों की कि जिनको रख दिया जाता है पहले बुन के अलग इसीलिए तो जुदाई भी खुशगवार रही इसीलिए तो जुदाई भी खुशगवार रही बहुत से गम थे हमारे अलग और उनके अलग इसीलिए तो जुदाई भी खुशगवार रही। बहुत से गम थे हमारे अलग और उनके अलग और शेर है कि ये नासेहों को मैं अब फारसी में ये नासेहों को मैं अब फारसी में समझाऊं अजाब कुन के अलग होते हैं मकुन के अलग <laughs> ये नासेहों को मैं अब में अब फारसी में समझाऊ अजाब कुन के अलग होते हैं मकुन के अलग और शेर है कि गुलों को रोंदने वालों उन्हें भी याद करो गुलों को रोकने वालों उन्हें भी याद करो जो लोग कर गए तलवों से खार चुन के अलग भाँ। भाँ। गुलों को रोंदने वालों મને એની યાદ કરો જો લોગ કર ગય તલવો સે ખાર ચુમ કે અલગ અર દિલેક પરંદા હે ખુરાક ઇસકી એક સીરક દિલેક પરંદા હે ખુરાક ઇસકી એક સીરક વગર ના બારહા માંગેગા દાને ધન કે અલગ દિલેક પરંદા હે खुराक इसकी एक सीरक वगरना बारह मांगेगा दाने दुन के अलग और मखता है कि जो गुजरी दाने पे दाना ही जानता है अमित क्या जो गुजरी दाने, दाने पे दाना ही जानता है अमित हुआ है आ, भुना है हो के अलग या हुआ है भुन के अलग जो गुजरी दाने पे दाना ही जानता है अमित भुना है हो के अलग या हुआ है भुन के अलग दिखाई एक से देंगे सो करना सुन के अलग वो अपनी धुन के अलग हैं हम अपनी धुन के अलग बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया और यह है कि डरा डरा के मेरे सारे डर निकालता है डरा डरा के मेरे सारे डर निकालता है अजब इलाज मेरा चारा घर निकालता है डरा डरा के मेरे सारे डर निकालता है अजब इलाज मेरा चारा घर निकालता है अधूरेपन की मुकम्मल दलील हूँ लेकिन अधूरे पन की मुकम्मल दलील हूं लेकिन कसर निकालने वाला कसर निकालता है अधूरेपन की मुकम्मल दलील हूं लेकिन कसर निकालने वाला कसर निकालता है और तेरा खुदा भी हो तुझ जैसा और दे तुझको तेरा खुदा भी हो तुझ जैसा और दे तुझको दरख्त ऐसा जो गिन के समर निकालता है तेरा खुदा भी हो तुझ जैसा और दे तुझको दरख्त ऐसा जो गिन के समर निकालता है सरों पे हाथ जहानत बढ़ा नहीं सकता सरों पे हाथ जहानत बढ़ा नहीं सकता ये और बात के अंदर का डर निकालता है बहुत शुक्रिया सरों पे हाथ जहानत बढ़ा नहीं सकता ये और बात कि अंदर का डर निकालता है और बहुत शुक्रिया सर और किसी की याद भी अब ताशहर नहीं रहती किसी की याद भी अब ताशहर नहीं रहती ख्याल है कि पहर दोपहर निकालता है किसी की याद भी अब ताशहर नहीं रहती ख्याल है कि पहर दोपहर निकालता है और फजा कोई भी हो फितरत बदल नहीं सकती फजा <दाग> <दाग> कोई भी हो <और दागी> फितरत <थागी> बदल नहीं सकती कफस में क़ैद परिंदा भी पर निकालता है फजा कोई भी हो फितरत बदल नहीं सकती कफस में क़़ैद परिंदा भी पर निकालता है अमित वो वार <थागी> <दागी> सियासत के मसले ये हजूम अमित वो वार सियासत के मसले ये हजूम जो हल निकाल ना पाए ख़बर निकालता है अमित वो कह सियासत के मसले ये हजूम जो हल निकाल ना पाए खबर निकालता है डरा डरा के मेरे सारे डर निकालता अजब विलाज मेरा चारा घर निकालता बहुत शुक्रिया चलिए छोटी बहर की गज़ल है ये सुनाता हूँ कि लफ्ज़ों में आसानी रख लफ्जों में आसानी रख शेर मगर इरफानी रख लफ्जों में आसानी रख शेर मगर इरफानी रख इतना धोखा चलता है आंखों में नादानी रख यह कि लफ्जों में आसानी रख शेर मगर इरफानी रख इतना धोखा चलता है आंखों में नादानी रख ध्यान हटाव भोंटों से खदमों पर पेशानी रख। ध्यान हटाव से, पर पेशानी रख कुछ भी नहीं है मंजर में आंखों में हैरानी रख कुछ भी नहीं है मंजर में आंखों में हैरानी रख भूख और प्यास न मिटने पाए भूख और प्यास न मिटने पाए इतना दाना पानी रख भूख और प्यास न मिटने पाए इतना ध्यान दाना पानी रख हल्के हल्के कदम बढ़ा सर पे बेसामानी रख हल्के हल्के कदम बढ़ा सर पे बेसामानी रख हर शय में मौजूद है जो उसकी एक निशानी रख हर शय में मौजूद है जो उसकी एक निशानी रख और ये शेर की सा से काम चला लूंगा रेगा मापा धानी रख सा काम चला लूंगा रेगा मापा धानी रख और मखता है कि अमित बुलाए वो हर बार आना कानी रख अमित बुलाए वो हर बार इतनी आना कानी रख लफ्जों में आसानी रख शेर मगर इरफानी रख बहुत शुक्रिया बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया अमित बजाज हमारे दिल्ली के शायर अमित बजाज अमेरिका में रह, रह रहे हैं हमारी पे टोरंटो टोरोंटो तिफ लाए दिल्ली का लहजा आपका बहुत शुक्रिया अमित बजाज अब मैं गुजारिश करता हूँ मीना चोपड़ा साहबा से कि अपने कलाम से नवाजें बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर भाई आ, एक काफ़ी पुरानी नज्म है उससे शुरू करती हूँ और यह जब हम यहाँ आए तो उसी वक्त मैंने ये लिखी कोई पंद्रह दस या पंद्रह साल पुरानी होगी ये नज़ इसमें मेरी बेटी उस वक़्त बड़ी हो रही थी किशोरावस्था से युवा स्थान में जा रही थी तो उसके भावों को लेकर अपने में उतार कर मैंने ये कविता लिखी ये यूट्यूब पे भी है इसकी फिल्म है एक बनाई हुई आ, ये ऐसे चलती है सांझ में शामिल रंगों को ओढ़े सांझ में शामिल रंगों को ओढ़े नज़र में बटोरे बटोर के मचलते मंजर सांझ में शामिल रंगों को ओढ़े नजर में बटोर के मचलते मंजर ढलते हुए दिन के चेहरे में मुट्ठी भर उजाला ढूंढती हूँ पूरब की हूँ श्यामल सी सूरज को अपने गर्दिशों में जमी की ढूंढती हूँ धन्यवाद पहन के पैरों में पायल बहकती हवाओं की पहन के पैरों में पायल बहकती हवाओं की फिजाओं के सुरीले तरन्नुम में गुनगुनाहटे जिंदगी की ढूंढती हूँ पूरब की हूँ श्यामल सी सूरज को अपने गर्दिशों में जमी की ढूंढती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद उठती निगाहों में भर के कायनात का काजल उठती निगाहों में भर के कायनात का काजल दूर कहीं छोर पर उफक के टिमटिमाता वो सितारा ढूँढती हूँ पूरब पूरब की हूँ श्यामल पूरब की हूँ श्यामल सी सूरज को अपने गर्दिशों में जमी की ढूंढती हूँ शोक फूलों को घूंट मस्ती के पिलाकर, शोक फूलों को घूंट मस्ती के पिलाकर, चहकती धूप को आंगन में बिछाकर, ओस की बूंद में अंबर को ढूंढती हूं पूरब की हूं, शामल सी, सूरज को अपने गर्दिशों में जमी की ढूंढती okay. बहुत बहुत <द्वारी> दो तीन <थीण>, छोटी छोटी नज़म <द्वारी> नज्में ही लिखती हूँ मैं गजलें नहीं लिखती कुछ पुरानी है और मैं इसलिए सुना रही हूँ कि इसमें उर्दू ज्यादा है तो सबको समझ में आएगी यहाँ पे आ, हिंदी फिर गुड़ हो जाएगी तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी ओस की एक बूंद ओस में डूबता अंतरिक्ष अंतरिक्ष समझते हैं ना कायनात सही ओस में डूबता अंतरिक्ष विदा ले रहा है अंधेरों पर गिरती तुषार और कोहरों की नमी से तुषार भूपेंद्र तुषार हाँ उसके साथ जो, उस के, साथ जो उस के साथ जो वाइट सफेद उस की उसमें डूबता अंतरिक्ष विदा ले रहा है अंधेरों पर गिरती तुषार और कोहरों की नमी से और यह बूंद न जाने कब तक जिएगी इस लटक धोती टहनी से जुड़े पत्ते के आलिंगन में और यह बूंद न जाने कब तक जिएगी इस लटकती टहनी से जुड़े पत्ते के आलिंगन में धूल में जा गिरी तो फिर मिटके जाएगी कहाँ धूल में जा गिरी तो फिर मिटके जाएगी कहाँ ओस की एक बूंद बस चुकी है कब की मेरे व्याकुल मन में बहुत कविता ही इसका शीर्षक है और ये ऐसे चलती है और कविता है वक्त की सियाही में तुम्हारी रोशनी को भरकर वक्त की सियाही में तुम्हारी रोशनी को भर कर समय की नोक पर रखे शब्दों का कागज़ पर कदम कदम चलना बहुत बहुत धन्यवाद वक्त की सियाही में तुम्हारी रोशनी को भर कर समय की नोक पर रखे शब्दों का कागज़ पर कदम कदम चलना एक नए वजूद को मेरी कोख में रखकर माहिर है कितना इस कलम का मेरी उंगलियों से मिलकर तुम्हारे साथ साथ सुलग सुलग चलना एक और छोटी सी सुना दो ये कविता मेरे जन्मस्थल से मेरी बर्थ प्लेस से रिलेटेड है और इसमें मेरा जन्म नैनीताल में हुआ काफ़ी लोगों ने सुना होगा बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है नॉर्थ इंडिया में और मेरा मन हमेशा उसके लिए भटकता <laughs> बहुत सुंदर झील है और उसी का इसमें उसी को खींचा है हाँ उसी को खींचा है कुछ निशान वक्त के झील से झांकते आसमान की गहराई में झील से झांकते आसमान की गहराई में बादलों को चूमती पहाड़ों की परछानिया और घनी पेड़ों के बीच फड़फड़ाते अतीत के बुझते चेहरे झरनों के बीच झरझराते जर जर मुख से झरते मधुर गीत संगीत हवाओं पर बिखरी गेंदे के फूलों की सुनहरी खुशबू दूर कहीं सजदों में झुकी घंटियों की गूंज ये जो वहाँ पर झील है झील के किनारे एक मंदिर है और उस मंदिर की जब घंटियाँ बजती हैं तो वो सारी पहाड़ियों से गूंज कर जैसे झील झील में गिरती हैं तो ये उसी का इमेजरी है वही चित्रण है गेंदे के फूल वहाँ बहुत बहुत होते हैं बहुत होते हैं हर जगह होते हैं हवाओं पर बिखरे गेंदे के फूलों की सुनहरी खुशबू दूर कहीं सजदों में झुकी घंटियों की गूंज बांसुरी की धुन में लिपटकर, चोटियों से धीमे धीमे उतरती सुबह की सुरीली धूप वहाँ बांसुरी आप सुबह उठेंगे ना तो पहाड़ी पे कोई चरवाहा दूर कहीं बांसुरी बजा रहा होता है और वो सुनकर आप उठते हैं बांसुरी की धुन में लिपट कर चोटियों से धीमे धीमे उतरती सुबह की सुरीली धूप पानी में डुबकियां लगाती कुछ मचलती किरणें और उन पर छपक छपक चंपों से सांसें लेती जिंदगी की चलती नौका रात की झिलमिलाहटों मिलाहटों में तैरती चुप्पियों की, लहरे। की, तैर की लहरें रात की झिलमिलाहटों मिलाहटों में तैरती चुप्पियों की लहरें किनारों से टकराकर लौटती जुगनों की वह पुरानी चमक उम्मीदों की ठंडी सड़क पर हवाओं से बातें करती किसी राहगीर के सपनों की तेज़ दौड़ती टापे हर एक हिल स्टेशन में एक ठंडी सड़क ज़रूर होती थी और घुड़सवारी उस वक्त बहुत होती थी बल्कि मैं भी घुड़सवारी उस वक़्त करती थी तो वो ठंडी सड़क पे ही अलाउड था करना इस तरफ कारें और ट्रैफ़िक बहुत होता था और वो बहुत अलग थलग होती थी उम्मीदों की ठंडी सड़क पर हवारों हवाओं से बातें करती किसी राहगीर के सपनों की तेज़ दौड़ती टापे पगडंडियों को समेटे कदमों में अपने पहुंची हैं वहाँ तक जहाँ मंजिलों के मुकाम अक्सों में थम गए हैं झील की गहराई में उतरकर नींद को थपथपाते हुए उगती सुबह की अंगड़ाई में रम गए आ, दौल। दौल। था था। था। आ, हसन मुशतबा भाई एक सिंधी हमारी जो शायरी है सिंधी आवाज़ और उर्दू शायरी भी बेपना तवाना किस्म की शायरी करते हैं हसन मुशतबा भाई गुजारिश है आपसे मोहब्बत आपकी सबकी ये एक की है जलावतनी कोई नर्म फैंसी जैकेट नहीं जिसको पहन, <स्दियास> जिस पहन कर तुम शुमाली जमस्ता की हवाओं में बर्फानी रुतों में चांद ग्रहण का नज़ारा ढूंढने निकलो चलावत नहीं को नरम गर्म फैंसी जैकेट नहीं जिसको पहनकर तुम शुमाली जमस्ता की हवाओं में बर्फानी रुतों में चांद ग्रहण का नज़ारा ढूंढने निकलो नरम गर्म फैंसी जैकेट के जिसको पहनकर किसी महबूब या महबूबा की मामता जैसी आगोश का एहसास हो चलावतनी कोई ड्रामा भी नहीं जो दिनों रातों हफ्तों महीनों साल हा साल से ब्रॉडवे पे यूं ही चलता रहे चलावतनी ना न्यूयॉर्क शहर शेयर का मेयर चलावतनी तो बस पुरानी अखबार का ऐसा तराशा है जलावतनी तो बस पुरानी अखबार का ऐसा तराशा है जो मेपल मेपल के ख़जाँ आलूद पत्तों की संगत में शहर की सड़कों पे उड़ता फिरता है भा, जलावतनी तो बस पुरानी अखबार का ऐसा तराशा है सलमान भाई जो मेपल के ख़जाँ आलूद पत्तों की संगत में शहर की सड़कों पे उड़ता फिरता है जलावतनी को टांगे भी नहीं होती टांगे तुम तो अपने देश में ही छोड़ आते हो उन्हीं गलियों मोहल्लों बाजारों में भटकने के लिए जिनमें अब तुम शायद ही जिंदगी में पहले सेक्स जैसे दिन, अब फिर शायद ही आए। जलावतनी कोई डॉलर भी नहीं जिसको तुम टोकन बनाकर ट्रेन से उतरो जलावतनी न कोई खाब की मंजिल जलावतनी में भाई ख्वाब सबसे पहले मरते जलावतनी ना कोई ख्वाब की मंजिल जलावतनी में भाई ख्वाब सब सबसे पहले मरते हैं जलावतनी वो गाली है जो तुमको सोशल वेलफेयर दफ्तर के बाहर वो पेन हैंडलर देता है माधफा मगर फिर भी मेरे भाई जलावतनी शायर की महबूबा है खुदकशी की सोतीली बहन है खुदकशी जो मेरे देश का कौमी तराना है ख़ुदकशी जो मेरे देश का कौमी तराना है मगर फिर भी मेरे भाई जलावतनी इस होमलेस की सच्ची तरख दोस्ताना मुस्कुराहट है जो इस शहर की स्काई लाइन से ज़्यादा खूबसूरत और हकीकी है एवेन्यू फिफ्थ पर रामा कृष्णा के जुलूसों में वो एलिन गन्सबर्ग का हम शक्ल बूढ़ा एवेन्यू फिफ्थ पर रामा कृष्णा के जुलूसों में वो एल गिन्सबर्ग का हम शिकल बुरा वीरवी रंगो जलत रंग धमालो गालो और कई सात रंगों में रुपेरी जून में चुपचाप तन्हा और जगाना <coughs> इस तरह जैसे वो इस वे फलसफे खां बस एक आख़िरी एवेन्यू फिफ्थ पर चलते हजूमों में मैं खोया हुआ बच्चा एलिन गर्ग का हम शक्ल बूढ़ा मैं उसके ख्याल की उंगली पकड़ कर दूर जा निकला कहीं सेवन की गलियों में सरे बाजार मीर अक्सम ये सब कुछ ख्वाब में देखा हुआ पहले से लगता है एवेन्यू फिफ्थ भी मेरा और सेवन की गली मेरी सिंधु तेरे किनारों पर लिखे रगवेद के सारे शब्द मेरे कुरानी आयतें मेरी वही चागी का बागी में वही पोखरान का मुनकर मुनकर हूँ मैं औरंगजेब की सारी खुदाई का वही चवागी का बागी में वही पोखरान का मुनकर मुनकर हूँ मैं औरंगज़ेब की सारी खुदाई का वतन तेरी जुदाई का मैं जब भी गीत गाता हूँ मैं खुद में लौट आता हूँ वतन तेरी जुदाई का मैं जब भी गीत गाता हूँ मैं खुद में लौट आता हूँ मगर गोली की बोली में वो मुझसे बात करते हैं वो दीवारों पे तेरी रे नहीं पड़ते कि जनरेलों की वर्दी पर गधा पेशाब करता है वाँ, 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 वाँ। वही दिल्ली की खूं आलूद गलियां नंग धड़ंग सरमद वही दिल्ली की खूं आलूद गलियां नंग धड़ंग सरमद वही है चांद हट पर वही दिल्ली की खूं आलूद गलियां नंग धड़ंग सरमद अभिचंद तेरे आंखों पर कुतुब अक्ताब वलियों के वजू टूटें क्या क्या अभी चंद तेरी आंखों पर कुतुब अक्ताब वलियों के वजू टूटे वही दिल्ली की वही दिल्ली वही दिल्ली की खूं आलूद गलियां नंग धड़ंग सरमद चंद तेरी आंखों पर कुतुब अखताब वलियों के उजू टू वो मेरे अंदर की औरत और ये अंगूर की बेले वही है चांद हटसन पर रुपेली शाम सिंधु पर उतरे इस तरह जैसे वही उतरे मोहम्मद पर क्या बात? वाँ। वाँ। क्या बात क्या बात क्या बात क्या क्या बात वाह वाह क्या कि वो यूसुफ़ नाम का लड़का जो अक्सर याद आता है वो यूसुफ़ नाम का लड़का जो अक्सर याद आता है वो नागन की तरह लहराता बल खाता कहीं कभी इकबाल जोगी की मधर मुरली की लहरों में सूफियों के संग में सुल्फी के शोले में शराबों के नशे में नीलगू झीलों के पानी में मोहब्बत के किसी किस्से कहानी में मैं उसको भूल भी जाऊं अक्सर याद आता है पहाड़ी रास्तों पर उन पुराने मंदिरों में अब जहाँ पूजा नहीं होती पहाड़ी रास्तों पर उन पुराने मंदिरों में अब जहाँ पूजा नहीं होती जहाँ झांझर नहीं बजती न कोई दीप दासी ब्राह्मण नारी न ना कोई नर चढ़ावा लेकर आता है न रस्ता है न रोता है भरी दनो भिटाई न गाता है कोई आकर न कोई दीप जलता है न दीवाली न होली है मुकद्दर में बस गोली है न दिवाली हो न होली है मुकद्दर में बस गोली है मगर जब रंग होली में नहाते थे तो यूसुफ नाम का लड़का लड़कियों के वेश में जब रक्स करता था तो जैसे पानियों पर दीप कई जल उठे हो तो नृत्य के पाँव चलना भूल जाते थे तो यूसुफ नाम का लड़का वो अक्सर याद आता है साथ वाली उस गली में वो जो मस्जिद थी जिसके ऊंचे ऊँचे मुनारों पर बैठे कबूतर थे हम कहते थे वो बुज़ुर्ग हैं खुदा के खुदा की बुजुर्गी के गीत गाते हैं गुजरगों करते फिरते अब भी बस्ती में मगर यूसुफ़ नहीं आता वो अक्सर याद आता है मगर यूसुफ़ नहीं आता वो अक्सर याद आता है अजानें अब भी आती हैं नमाज़ों में भी मुझको याद आता है वो यूसुफ़ नाम का लड़का अजानें अब भी आती हैं नमाज़ों में भी मुझको याद आता है वो यूसुफ़ नाम का लड़का बाहरें अब भी आती हैं मगर जाने बाहर वो जो यूसुफ नाम का लड़का मेरे घर तेरे दर पे नहीं आता बाहरें अब भी आती हैं मगर जाने बाहर वो जो यूसुफ नाम का लड़का तेरे दर पे नहीं आता मगर जो एक मेखाना तेरी आंखों के जैसा था मगर जो एक मेखाना तेरी आंखों के जैसा था जहाँ परंदे भी जहाँ पर झूलते रहते थे तारों पर भी जहां पर झूलते रहते थे तारों पर वही और नाज़ भूखे झुंड में बैठे मवाली थे सवाली थे तेरे दीदार के आखिर मुला बेर था उनका उड़ाते फिरते थे दवे की एक अजब खुशबू सी जन्नत की बूटी की किसी लड़की के आंखों में किसी लड़की के आंखों में किसी लड़के के होंठों पर वो खुशबू नाचती और रक्स करती थी मवाली मैखाना वही है उस जगह सूरजमुखी भी है मवाली अब भी आते हैं आते हैं प्यालों से जो भर कर चांदनी में घोट पीते हैं मगर यूसुफ़ नहीं आता वो अक्सर याद आता है सिद्धि जी सुना अरे वो मौत कुछ घड़ियों असा मथा न असा मथा न काहे तू न को ई ख़्वाब जो नगर खननि पलनि में ड्राहे तूं अड़े हो मोत कुझु घणियूं असां मथां नकाहे तू न को ई ख़्वाब जो नगर खननि पलनि में ड्राहे तूं अञा त अञा अंगूर जूं वलियूं ऐं दिलि रुबा पचनि अञा अंगूर जूं वलियूं ऐं दिलि रुबा पचनि पियूं ऐं ओ पुरी गली में ॾिसो नचनि पियूं गिटार ते ان छोकिरे जो गीत तूं नथो ॿुधी हुन तार तार ज़िंदगी खे आंगरियुनि सां छेड़ियो ऐं सार जी उॾार खे ان دیس دیس ॻोल्हियो पर यार जो पतो न ना पियो नाखुअनि जे ॾींहं ते एतबार कोन आहे हिन वतन जे मींहं ते एतबार कोन आ नाखुअनि जे ॾींहं ते एतबार कोन आ हिन वतन जे मींहं लच ते एतबार कोन आहे असांजे मीत खे खणी उतर जे पार जा वेही असांजे रूह में मिठा अ रेल सा रची वई असांजे मीत खे खणी उतर जे पार जा वेही असांजे रूह में मिठा अ रेल सा रची वई उदास रो राशिद उदास रो रातियूं नगर में मोर राह वटे नगर पार्क उदास रो रात नगर में मोर डाब टे असा के सुमह नं डगर छोरड़ा बटे अना तो ई नंढो आशक सिखे पना बार ही नंढो आशक सिखे प्यो अना सिंध में शायरी लिखे पे अना तो ई नो आशक सिखे प्यो अना सिंध में शायरी लिखे पे अना तो गुरगुल हलूं पिया रुलूं पिया अञा त गुरगुलनि जा रुलूं पिया पिनूं पिया हवा सां ॼण हलूं पिया मता असांजे भाग में को पखी लिखियलु हुजे मता असांजे जाॻ में का सखी लिखियलु हुजे अड़े उहो मौत कुझु घणियूं बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन मुश्तबा साहिबु अबने शेरी महफ़िल खे इख़्ताम की तरफ़ बढ़ि रहियां मैं मुल्तव हूँ हमारी टोरंटो की बहुत ही मोतबर हस्ती बहुत ही खूबसूरत शायर जनाब इरफान सितार साहब से कि अपने कलाम से नवाजें बहुत शुक्रिया ताहिर भाई और आपको और हलीमा को मुबारकबाद के मुशायरे भी आपका बड़ा ख़ूबसूरत हुआ और पूरा इवेंट जो है वो आपकी मेहनत पूरी तरह रंग ला रही है जिसके लिए मुबारकबाद हम तख्लीकार बहुत सी चीज़ें कहते हैं हर जगह सुनाते भी नहीं हैं और ऐसी महफिलें बहुत कम मिलती हैं जहाँ भारत और पाकिस्तान की इतनी मुतवाज़न रिप्रेजेंटेशन हो तो उस मुनासिबत से एक चार पाँच शेर में सुनाता हूँ और फिर एक गज़ल पेश करूँगा इजाज़त सर अपनी अपनी मजबूरी से हारे रहते हैं अपनी अपनी मजबूरी से हारे रहते हैं महरूमी के बोझ तले बेचारे रहते हैं अपनी अपनी मजबूरी से हारे रहते हैं महरूमी के बोझ तले बेचारे रहते हैं भूख माशी बदहाली और बीमारी से तंग भूख माशी बदहाली और बीमारी से तंग दोनों ही मुल्कों में गम के मारे रहते हैं क्या बात क्या बात भूख माशी बदहाली और बीमारी से तंग दोनों ही मुल्कों में गम के मारे रहते हैं और कौन भला फैलाए अमन व मोहब्बत का पैगाम क्या बात कौन भला फैलाए अमन व मोहब्बत का पैगाम शायर बनकर नफरत के हरकारे रहते हैं क्या बात है क्या बात है बात कौन भला फैलाए अमन मोहब्बत का पैगाम शायर बनकर नफरत के हरकारे रहते हैं और मेरे प्यारे ही रहते हैं सरहद के इस पार क्या बात है? मेरे प्यारे ही रहते हैं सरहद के इस पार सरहद के उस पार भी मेरे प्यारे रहते हैं क्या बात है वाह वाह मेरे प्यारे रहते हैं सरहद के इस पार सरहद के उस पार भी मेरे प्यारे रहते हैं और दिन भर फिरते, फिरते रहते हैं लाहौर की गलियों में, में <दूरा> दिन भर फिरते रहते हैं लाहौर की गलियों में रात को हम दिल्ली में पांव पसारे रहते हैं क्या बात है दिन भर फिरते रहते हैं लाहौर की गलियों में रात को हम दिल्ली में पाँव पसारे रहते हैं और आपके प्यारे बुल्ले शाह का मस्कन इधर कसूर आपके बुल्ले शाह का मस्कन आपके प्यारे बुल्ले शाह, बुले शाह का मस्कन इधर कसूर और उधर गालिब और मीर हमारे रहते हैं क्या बात है आपके प्यारे बुल्ले शाह का मस्कन इधर कसूर क्या बात और उधर गालिब और मीर हमारे रहते हैं एक ही सागर बनता है पानी का अंत पड़ाओ क्या बात? एक ही सागर बनता है पानी का अंत पड़ाओ अलग अलग, अलग चाहे दरिया के धारे रहते हैं क्या बात एक है एक ही सागर बनता है पानी का अंत पड़ाओ अलग अलग चाहे दरिया के धारे रहते हैं अपनी अपनी मजबूरी से हारे रहते हैं महरूमी के बोझ तले बेचारे रहते हैं। क्या बात है वाह 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 वा, वा, वा। जी मजीद से। एक गजल की ज़हमत कि मेरे ख्वाबों से ओझल उसका चेहरा हो गया है मेरे ख्वाबों से ओझल उसका चेहरा हो गया है मैं ऐसा चाहता कब था पर ऐसा हो गया है क्या बात वा, 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 वा। मेरे ख्वाबों से ओझल उसका चेहरा हो गया है मैं ऐसा चाहता कब था पर ऐसा हो गया है और ताल्लुक कब यहाँ कम है मुलाकातें ज्यादा ताल्लुक कब यहाँ कम है मुलाकातें ज्यादा हजूम शहर में हर शख्स तन्हा हो गया है मुलाकातें ताल्लुक कब यहाँ कम है मुलाकातें ज्यादा हजूम शहर में हर शख्स तन्हा हो गया है और तेरी तकमी तो पूरी हो ना पाई तेरी हो ना पाई तेरी तकमील की ख्वाहिश तो पूरी हो ना पाई मगर एक शख्स मुझ में, तो में भी अधूरा हो गया है जो बाग आर जू था अब वही है दशत वहशत जो बागे आर जू था अब वही है दशते वहशत ये दिल क्या होने वाला था मगर क्या हो गया है जो बागे आर जू था अब वही है दशते वहशत ये दिल क्या होने वाला था मगर क्या हो गया है मैं समझा था सियेगी आ गई चाके जुनू को मैं समझा था सीएगी आ गई चाके जुनू को मगर ये जख्म तो पहले से गहरा हो गया है मैं समझा था सीएगी आ गई चाके जुनू को मगर ये जख्म तो पहले से गहरा हो गया है मैं तुझसे साथ भी तो उम्र भर का चाहता था मैं तुझसे साथ भी तो उम्र भर का चाहता था गिला भी उम्र भर का हो गया है बहुत चे, बहुत अच्छे, अच्छे। मैं तुझसे साथ भी तो उम्र भर का चाहता था मैं तुझसे साथ भी तो उम्र भर का चाहता था सो अब तुझसे गिला भी उम्र भर का हो गया है और तेरे आने से आया कौन सा ऐसा तगुर तेरे आने से आया कौन सा ऐसा तगर तरके मरासिम का मदावा हो गया है तेरे आने से आया कौन सा ऐसा मगर का मदावा हो गया है मेरा आलम अगर पूछे तो उनसे अर्ज करना अमित मेरा आलम अगर पूछे तो उनसे अर्ज करना के जैसा आप फरमाते थे तर् वैसा हो गया है वाह 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 मेरा आलम अगर पूछें तो उनसे अर्ज करना कि जैसा आप फरमाते थे वैसा हो गया है मैं क्या था और क्या हूं और क्या होना है मुझको मैं क्या था और क्या हूं और क्या होना है मुझको मेरा होना तो जैसे एक तमाशा हो गया है मैं क्या था और क्या हूँ और क्या होना है मुझको मेरा होना तो जैसे एक तमाशा हो गया है यकीनन हमने आपस में कोई वादा किया था यकीनन हमने आपस में कोई वादा किया था मगर उस गुफ्तु को एक अरसा हो गया है यकीनन हमने आपस में कोई वादा किया था मगर उस गुफ्तु को एक अरसा हो गया है ये बेचैनी हमेशा से मेरी फितरत है लेकिन ये बेचैनी हमेशा से मेरी फितरत है लेकिन बकदरे उम्र इसमें कुछ इजाफा हो गया है ये बेचैनी हमेशा से मेरी फितरत है लेकिन ब़द्र उम्र इसमें कुछ इजाफा हो गया है और शायद जी ये देखेगा कि मुझे हर सुबह याद आती है बचपन की वो आवाज़ मुझे हर सुबह याद आती है बचपन की वो आवाज़ चलो इरफान उठ जाओ सवेरा हो गया है मुझे हर सुबह याद आती है बचपन की वो आवाज़ चलो इरफान उठ जाओ सवेरा हो गया है मेरे ख्वाबों से ओझल उसका चेहरा हो गया है मैं ऐसा चाहता कब था पर ऐसा हो गया है बहुत शुक्रिया एक और गजल प्लीज अब ऐसा करते हैं अशफाक भाई कल फराज साहब की बरसी थी फराज साहब की जमीन में गजल सुना मतले में जो है वो गिरा है कल अहमद फराज साहब की बरसी थी और चाहे वो हिन्दुस्तान हो पाकिस्तान हो दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है फराज साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं जिनमें हम भी शामिल हैं तो ये गजल इजहार और मोहब्बत समझ लें कि तू के हम से है बसत नाज गुरेजा जाना तो के हम से है बसत नाज गुरेजा जाना याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमा जाना तू के हमसे है बसत नाज गुरेज़ा जाना याद क्या तुझको तेरा पैमा जाना चलिए माना कि तुझे याद नहीं कुछ भी मगर चलिए माना कि तुझे याद नहीं कुछ भी मगर ये चमकता हुआ क्या है सरे मिजगा जाना क्या बात चलिए माना कि तुझे याद नहीं कुछ भी मगर ये चमकता हुआ क्या है सरे मिजगा जाना आज कदमों तले रौंदी है कुलाहे पिंदार <गँगे> आज कदमों तले रौंदी है कुलाहे पिंदार आज वाह मुझ पे हुआ है दरे इम जाना क्या बात आज कदमों तले रौंदी है कुलाहे पिंदार आज वाह मुझ पे हुआ है दरे इम जाना और मैं भी क्या चीज हूं आखिर जो यहाँ मेरे लिए ताहर भाई मैं भी क्या चीज हूँ आखिर जो यहाँ मेरे लिए है और बका दस्तो गरीबा जाना क्या बात वाँ 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 वाँ। मैं भी क्या चीज हूँ फना और बका गरीबा जाना क्या बात? और ख्वाब तन्हाई तेरी याद मेरा जौक सुखन खाब तन्हाई तेरी याद मेरा सुखन उम्र भर के लिए काफी है ये सामा जाना खाब तनहाई तेरी याद मेरा सुखन उम्र भर के लिए काफ़ी है ये सामा जाना और जिंदगी ठहरी हुई और गुजरती हुई उम्र भा जिंदगी ठहरी हुई और गुजरती हुई उम्र देख क्या कुछ है यहाँ साकित जुम्बा जाना देख क्या कुछ क्या है यहाँ साकित जुम्बा जाना और जितनी जंजीर है उतनी ही मेरी हद सफ़र जितनी जंजीर है उतनी ही मेरी हद सफर है मेरी हद नजर जिंदा जाना आहा, आहा। जितनी जंजीर है उतनी ही मेरी हद सफर है मेरी हद सफर वत जिंदा जाना और अभी हालात मवाफिक हैं तो कुछ तय कर लें अभी हालात मुफ हैं तो कुछ तय कर लें कितना ठहरेगी भला गर्द दौरान दौरा जाना अभी हालात मुफिक हैं तो कुछ तय कर लें कितना ठहरेगी भला गर्द दौरान दौरा जाना और एक तेरे गम की कमी थी तेरे दीवाने को एक तेरे गम की कमी थी तेरे दीवाने को वरना वहशत तो यहाँ थी ही फरामा जाना क्या एक तेरे गम की कमी थी तेरे दीवाने को वरना वहश्यक तो यहाँ थी ही फरावा जाना और दर्द ताज़ा भी है गहरा भी है जांसोज़ भी है दर्द ताज़ा भी है गहरा भी है जाँसोस भी है कोई मरहम कोई नश्तर कोई दरमा जाना कोई मरहम कोई नश्तर कोई दरमा जाना और अपना तो एक ही लहजा है ये सीधा सच्चा अपना तो एक ही लहजा है ये सीधा सच्चा में अहबाब अच्छा हो या में हरीफा जाना अपना तो एक ही लहजा है ये सीधा सच्चा में अहबाब हो या में हरीफा जाना और होंगे जो तेरे इश्क की तशहर करें और होंगे जो तेरे इश्क की तशहर करें हम नहीं वो जो करें चाक गरीबा जाना और होंगे जो तेरे इश्क की तशहर करें हम नहीं वो जो करें चाक गरीबा जाना और यहाँ आ गए के पूछता रहता हूँ अक्सर के हुआ क्या है तुझे पूछता, पूछता रहता हूँ अक्सर के हुआ क्या है तुझे कुछ बताता ही नहीं है दिल नादा जाना पूछता रहता हूँ अक्सर के हुआ क्या है तुझे कुछ बताता ही नहीं है दिल नादा जाना और जज्दुआ नजर गुजारे का तुझे क्या ये फकीर जज्दुआ नजर गुजारेगा तुझे क्या ये फकीर जा तेरी खैर खुदा तेरा निगहबाँ जाना जज्दुआ नजर गुजारेगा तुझे क्या ये फकीर जा तेरी खैर खुदा तेरा निगहबाँ जाना और अशफाक भी देखे कि हम जहाँ जाए ही खाक उड़ाते जाए हम जहाँ जाए यू ही खाक उड़ाते जाए पाओ के साथ बंधा है ये बयाबा जाना हम जहाँ जाएं ही खाक उड़ाते जाए हम जहाँ जाए ही खाक उड़ाते जाए पाओ तो के साथ बंधा है ये बयाबा जाना और याद आता तो बहुत होगा तुझे, हो तुझे जाने फराज याद आता तो बहुत होगा तुझे जाने फराज किस कदर प्यार से कहता था वो जाना जाना याद आता तो बहुत होगा तुझे जाने फराज किस कदर प्यार से कहता था वो जाना जाना और हाय क्या वक्त था इस बाम पे होते थे फराज हाय क्या वक्त था इस बाम पे होते थे फराज अब जहां होता है इरफान गजल खां जाना तू के हमसे है बसद नाज गुरेजा जाना याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमा जाना वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इरफान सतार साहब अब मैं मुल्तव हूँ मोहतरमा शाह हसन साहिबा से बहुत शुक्रिया ताहिर और हरी आप लोगों ने ऐसी उम्दा महफिल सजाई है कि ये इन दो तीन दिनों के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो बस ख़्वाबों खयाल लग रहा है और मैं समझती हूँ कि इसको हमेशा कायम दायम रखना चाहिए और आपने देखा कि कैसी नई नई चीज़ें उभर के सामने आईं नए लोगों से हमारी मुलाकातें रहीं और ज़िंदगी को देखने के बहुत से नए जाविये हमारी नज़र के सामने उभरे ये सबसे खूबसूरत बात है तमाम जबानों का एक इस तरह का इज्तम और हर जबान में लिखी जाने वाली जो तख्लीकी सोच है उसको हम तक आपने पहुँचाया इसके लिए मैं भी ममनू हूँ और मैं बहुत ही दाद देती हूँ उन तमाम लोगों को जो महफ़िलों महफिल में शर्क रहे और इसका हिस्सा बने और इस मुसरत को हमने मिल के आ, इंजॉय किया मैं जस्ता जस्ता कुछ चीजें पढ़ूंगी क्योंकि ऐसी महफिल में सेलेक्ट करना भी जरा मुश्किल होता है मैं पहले ये दो लाइने कि मैंने पूछा कि ये खुशी क्या है मैंने पूछा कि ये, ये खुशी क्या है उसने बेसाख्ता जवाब दिया मैंने पूछा कि ये खुशी क्या है उसने बेसाख्ता जवाब दिया है उसने बेसाख्ता जवाब दिया मुनहसर है कि ज़िंदगानी को आप किस किसिये से देखती हैं मुनहस है कि ज़िंदगानी को आप किस जाविये से देखती हैं है है. तो देखिए ये मेरा जाविया निगाह है इसमें मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी लिखी है वो एक सच सच है तमाम मामलाते हयात को जब हम लिखते हैं अपना सच लिखते हैं तो वो उस पूरे कुल सच का एक अहम हिस्सा होता है और उसे जिंदगी को समझने में मदद देता है हुई मुद्दत किताबें जिंदगानी पढ़ रही हूँ मैं हुई मुद्दत किताबें जिंदगानी पढ़ रही हूँ मैं बहुत ही महवियत से ये कहानी पढ़ रही हूं क्या बत, क्या बत, क्या बत। हुई मुद्दत किताब जिंदगानी पढ़ रही हूं मैं बहुत ही महवियत से ये कहानी पढ़ रही हूं मैं तेरे खामोश होटों पर तो चुप की मोहर है लेकिन तेरे खामोश होटों पर तो चुप की मोहर है लेकिन तेरी आंखों की हर जादू बयानी पढ़ रही हूं खामोश होटो पर तो चुप की मोहर है लेकिन तेरी आंखों की हर जादू बयानी पढ़ रही हूं मैं और नए शहरों के रस्तों पर पुराने दिन की आहट है नए शहरों के रस्तों पर पुराने दिन की आहट है बहारों में भी और आके खजानी पढ़ रही हूँ मैं च्बार? बहारों च्बार? में भी और आके खजानी पढ़ रही हूँ मैं और कहीं सत्रों में गुम है तू कहीं लफ्ज़ों में गुम हूँ मैं कहीं सत्रों में गुम है तू कहीं लफ्ज़ों में गुम हूँ मैं <laughs> लिखी कागज पे यादें सब सुहानी पढ़ रही हूँ बहुत अच्छे लिखी कागज पे यादें सब सुहानी पढ़ रही हूँ मैं तक अभी तक खुल नहीं पाया ये रमज जिंदगी मुझ पर अभी तक खुल नहीं पाया ये रमज जिंदगी मुझ पर दोबारा सब शहीफे आसमानी पढ़ रही हूँ क्या बात क्या अभी तक खुल नहीं पाया ये रमजे जिंदगी मुझ पर दोबारा सब सहीफे आसमानी पढ़ रही हूं मैं हुई मुद्दत किताबे ज़िंदगानी पढ़ रही हूं मैं बहुत ही महवियत से ये कहानी पढ़ रही हूं मैं ऐसी एक और गजल सामने आ गई कि यूं ही आई नहीं मैं सर्वोसमन की जानब यूं ही आई नहीं मैं सर्वो समन की जानेब दरे दिल खोल के आई हूँ चमन की जानेब ये कैनेडा की तरफ हिजरत एक बड़ा मरहला है और इस नाजुक मरहले से गुजरना आप सबने भी सीखा है मैंने भी कुछ नतज अख्स किए हैं यूं ही आई नहीं मैं सर्वो समन की जानेब दरे दिल खोल के आई हूँ चमन की जाने और है फकत कार मोहब्बत मेरा सरमाए कारे मोहब्बत मेरा सरमाए जान कभी देखा ही नहीं दौलत और धन की जाने बहुत कभी देखा ही नहीं दौलत और धन की जाने और एक बिछड़ी हुई खुशबू को बहुत ढूंढता है एक बिछड़ी हुई खुशबू को बहुत ढूंढता है दिल खिंचा जाता है उस मुश्कुता की जाने दिल खिंचा जाता है उस मुश्कुता की जाने और जब भी पढ़ती हूँ वो वैसे करनी की बातें जब भी पढ़ती हूँ ओ वैसे करनी की बातें अपनी हर सांस में लेती हूँ यमन की जानेब अपनी हर सांस में लेती हूँ यमन की जानेब इतर सी बातों में उसकी थी नई खुशबू आज इतर सी बातों में उसकी थी नई खुशबू आज जैसे एक फूल सा महका हो दहन की जाने, जैसे एक फूल सा महका हो दहन की जाने, और आग ही मेरी झलकती है साइने में ही मेरी झलकती है साइने में एक सलीका लिए आई हूँ मैं फ़न की जाने जानेब आगही मेरी झलकती है आईने में एक सलीका लिए आई हूँ मैं फ़न की जाने और जहन पर वाकि दर मैंने नई सोचों के जहन पर वाक दर मैंने नई सोचों के जब भी आप पहुंची मैं अंदर की घुटन की जानेब जहन पर वाकई दर मैंने नई सोचों के जब भी आप पहुंची मैं अंदर की घुटन की और शेरे के वापस आने में बहुत देर मुझे लगती है वापस आने में बहुत देर मुझे लगती है जा निकलती हूं जो मैं शहर सुखन की जाने वापस आने में बहुत देर मुझे लगती है जा निकलती हूं जो मैं शहर सुखन की जाने और आखिरी शेर गजल का के सामना दावरे महशर का ही होगा मुझे सामना दावरे महशर का ही होगा मुझे मैं चली जाऊंगी उन शाहे जमन की जाने मैं चली जाऊंगी उन शाहे जमन की जाने यूं ही आई नहीं मैं सर्वो समन की जाने दर दिल खोल के आई हूं चमन की जाने। एक गजल अच्छा ये हमारी सारी जो महफिल हुई थी इसमें बड़ी खुल के बातें हुई बड़ी उम्दा बातें हुईं और किसी ने मौलाना रोम का भी तस्करा किया और मैं मौलाना रोम को बहुत पसंद करती हूँ और पढ़ती हूँ तो एक इस हिजरत के तजुर्बे के दौरान जैसे मौलाना रोम ने ये कहा कि ये जो दरवेशी और ये जो वज है और ये जो रक्स की कैफियात हैं ये असल में इन सब में कायनात के बहुत से असरार छुपे हुए होते हैं और इंसान की ज़िंदगी भी एक रकस की हालत में है तो हम जब इस सरज़मीन पर पहुँच गए कहाँ कहाँ से गुज़र के तो गोया हमारी ज़िंदगी के बहुत से दायरे मुकम्मल हो रहे हैं तो मैं इस इस जंजीर को जो कि बदी जंजीर है और जिसमें हम सब जकड़े हुए हैं अपने अपने वजूद के साथ इसके हवाले से हिजरत के एहसास को मैंने लिखा है कि हर तमन्नाए दिली ख्वाहिश जा रक्स में है क्या बात क्या बात हर तमन्नाए uh -huh दिली ख्वाहिश जा रक्स में है नींद है रक्स में और ख्वाबे गरां रक्स में है क्या बात हर तमन्नाए दिली ख्वाहिश जा रक्स में है नींद है रक्स में और ख्वाबे गरां रक्स में है और एक एक करके सभी हो गए रुखसत घर से एक एक करके सभी हो गए रुखसत घर से ओढ़ कर चादर तन्हाई मका रक्स में है ओढ़ कर चादर तन्हाई मका रक्स में है एक एक करके सभी हो एक एक करके सभी रुखसत घर से ओढ़ कर चादर तन्हाई मकान रक्स में है और हिजरो हिजरत के मराहिल कोई आसा तो नहीं हिजरो हिजरत के मराहिल कोई आसा तो नहीं एक अम्बोह बसद दाहो फ रक्स में है हिजरो हिजरत के मराहिल कोई आसा तो नहीं एक अम्बोह बसद दाहो फ रक्स में है कहीं रुकती ही नहीं गर्द इजरा में फलक कहीं रुकती ही नहीं गर्द इजरा में फलक तेरा घर रक्स में है मेरा मका तेरा घर रक्स में है, है मेरा रक्स में है, और तो छोड़कर घर से निकल आए थे हम अपनों को छोड़कर घर से निकल आए थे हम अपनों को तब से ये किस्मत हिजरत जदगा रक्स में है बावा बावा। तब से ये किस्मत हिजरत जदगा रक्स में है और आखिरी तीन शेर सुना देती हूँ कि खून ना हक के हैं अब जुबओ दस्तार पे दाग खूने ना हक के हैं अब जुबओ दस्तार पे दाग कत्ल गाहें हैं सजी शहर अमा रक्स में है कत्ल गाहे हैं सजी शहर अमा रक्स में है और एक शेर और जो मैं सुबह सुबह आप जो कुछ सुन लेते हैं वो सारा दिन आपके दिलो दिमाग में गूंजता रहता है तो रूह की ताल पे खुसरो को सुना था कल शब, आहे, आहे। रूह की ताल पे खुसरो को सुना था कल शब सुबह से दिल में वही नगमे जाँ रक्स में है सुबह से दिल में वही नगमे जँ रक्स में है और आखिरी शेर गज़ल का कि एक दरवेश की चौखट पे गई थी एक दिन एक दरवेश की चौखट पे गई थी एक दिन पहले झूमा था ये दिल बाद जान रक्स में है क्या पहले झूमा था ये दिल बाद जान रक्स में है हर तमन्ना ए दिली जान, रक्स में है नींद है रक्स में और खाब बहुत 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 शुक्रिया मोहतरमा शाह हसन साहिबा बहुत ही उम्दा कलाम अब आखिर में दरख्वास्त गुजार हूँ आज की महफिल के सदर जनाब अशफाक हुसैन साहब से बहुत शुक्रिया सदारत का एक पढ़ने में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सबको इतला मिल जाती है कि अब यह महफिल ख़त्म होने वाली है तो ये खुछ, ये ख़ुशखबरी आपको सुना रहे और उसके साथ साथ और उसके साथ साथ जो है मुबारकबाद देना चाहूँगा ताहिर को और हलीमा साहबा को कि इन्होंने एक बड़े काम की बुनियाद डाली है और अभी ये पहला साल है उसमें तो ज़्यादा कामयाबी हुई आपने देखा कि हमारे बर के मख्तल ज़बानों और मख्तल इलाक़ों के लोग शामिल हुए और सब ने मिल के अपने फूलों से गुलदस्ता सजाया अब इसकी बहारें जो हैं फैलेंगी और आप देखेंगे कि आंदा पाँच साल दस साल बाद इसका लोग याद क्या करेंगे कि साउथ एशियन फेस्टिवल कब होने जा रहा है वहाँ और वह इसका इंतज़ार क्या करेंगे तो ये शहर आपके सर जाता है आपको बहुत बहुत मुबारक हो मैं एक कता पेश करूंगा ये उर्दू जबान से मुतालिक है घना शजर था कोई शाख शाख काट गया घना शजर था कोई शाख शाख काट गया ताबात के दल में मुझको पाट गया मेरी जबान तो न हिंदू न सिख न मुस्लिम थी मेरी जबान को मजहब का जहर चाट गया घना शजर था कोई शाख शाख काट गया तासुबात के दलदल में मुझको पाट गया मेरी जबान तो न हिंदू न सिख ना मुस्लिम थी मेरी ज़बान को मजहब का जहर चाट गया ऐसे ही कुछ ख्याल है। पिछले दिनों लाहौर में एक बहुत बड़े मशारे में शिरकत का मौका मिला तो जो स्टेज पर सब बैठे थे आज अच्छा लग रहा है कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ पर सब एक ही मज़हब के लोग एक ही थे तो एकदम मुझे याद आया हाय क्या लोग थे पंजाब के उर्दू वाले हाय क्या लोग थे पंजाब के उर्दू वाले वो जो अल्फाज लिखा करते थे खुशबू वाले <laughs> हाय क्या लोग थे पंजाब के उर्दू वाले, वाले वो जो अल्फाज लिखा करते थे खुशबू वाले कृष्णचंदर हों के बेदी हों के जोगंदर पाल कृष्ण चंद्र हो सब लाहौर के थे कृष्ण चंद्र के बेदी हो के जोगंदर पाल सारे काफिर थे इसी काबे उर्दू वाले हाय क्या लोग थे पंजाब के उर्दू वाले वो जो अल्फाज लिखा करते थे खुशबू वाले कृष्ण चंद्र हो के बेदी हो के जोगंदर पाल सारे काफिर थे इसी काबे उर्दू वाले और एक नज्म सुनाता है नस्लों का अजाब जमी मोहब्बत का एक समंदर के जिसकी लहरों में जिंदगी है जमी मोहब्बत का एक समंदर के जिसकी लहरों में जिंदगी है जमीन का रिश्ता जमाने भर के तमाम रिश्तों से मावरा है कि जिसका रिश्ता का रिश्ता जमाने भर के तमाम रिश्तों से मावरा है ज़मीन सबसे बड़ी हकीकत इसी हकीकत के जस्तुजू में न जाने कब से भटक रहा हूँ सिसक रहा हूँ कि मेरा रिश्ता ज़मीन से अपनी कट चुका है वजूद मेरा हजारों हिस्सों में बट चुका है मैं जिसकी पादाश में अभी तक अजाब नस्लों के सह रहा हूँ मेरे खुदा अब मैं थक चुका हूँ जमी से रिश्ता बहाल कर दे वजूद को लाजवाल कर दे क्या बात क्या बात, क्या बात, क्या बात। मेरे खुदा अब मैं थक चुका हूँ जमी से रिश्ता बहाल कर दे वजूद को लाजवाल कर दे और एक और नज्म है कि मुख्तसर नजम यह है भी के चला गजल, हाँ, अच्छा, हाँ, गजल के दो तीन शहर हाँ अपने चेहरे से अपने लहजे से जो इंसान खुदा लगता है अपने लहजे से जो इंसान खुदा लगता है टूट जाता है तो दीवार से जा लगता है अपने लहजे से जो इंसान खुदा yeah. Puppyخ> लगता है टूट जाता है yeah. तो दीवार से जा लगता है roommate, sit, <Kr europ Alban puerta> जो भी कहना है कहो आसिफ साहब आपके लिए जो भी कहना है कहो दिल में न लाओ ये ख्याल जो भी कहना है कहो दिल में न लाओ ये, न लाओ ये ख्याल लोग क्या सोच रहे हैं उन्हें क्या लगता है जो भी चाहो वो कहो दिल में न लाओ ये ख्याल लोग क्या सोच रहे हैं उन्हें क्या लगता है? इन्हीं के लिए चाहिए <laughs> लोग <laughs> इनके लिए इन्हीं के जस्ता ये पर लोग क्या सोच रहे हैं उन्हें क्या लगता है अब उससे रहा मुमकिन नहीं है अब उससे मुमकिन नहीं है दोबारा मुजजा मुमकिन नहीं, नहीं है गजल का खूबसूरत शेर है वो गजल का खूबसूरत शेर है वो सो उसका तर्जमा मुमकिन नहीं है गजल का खूबसूरत शेर है वो सो उसका तर्जमा मुमकिन नहीं है सो उसका अगर वो आंख सागर में न छल के अगर वो आंख सागर में न छल के शराबों में नशा मुमकिन नहीं है अगर वो आंख सागर में न के शराबों में नशा मुमकिन नहीं है खुदा ने भी मोहब्बत की है अशफाक खुदा ने भी मोहब्बत की है अशफाक खुदा से तो खता मुमकिन नहीं रहे रहे है खुदा ने भी मोहब्बत की है अशफाक खुदा से तो खता मुमकिन नहीं है और ये नज़्म आखिर में पढूंगा ज़ूमिंग इसका अनमान है अच्छा फिर से खिसला देता हूँ। डूबे हुएओं की एक निशानी में हम भी थे डूबे हुएओं की एक निशानी में हम भी थे सूरज के साथ झील के पानी में हम भी थे डूबे हुओं की एक निशानी में हम भी थे सूरज के साथ झील के पानी में हम भी थे आंधी उखाड़ती रही तहजीब के शजल आंधी उखाड़ती रही तहजीब के शजल और उस माशरे की कहानी में हम भी थे आंधी उखाड़ती रही तहजीब के शजल और उस माशरे की कहानी में हम भी थे लिखना जो था उसी से गुरेजा रहा कलम लिखना जो था उसी से गुरेजा रहा कलम अगवा कनंद दगाने मानी में हम भी थे किडनैप करने वाले ने इगवा कुन लिखना जो था उसी से गुरेजा रहा कलम दगाने में हम भी थे क्या और मुश्तरका तो दोस्ती क्योंकि हमारे तरक् पसंद आती है तो हमने थी हुसनो इनकलाब से मुश्तर का दोस्ती कुछ रोज कारोबारे जवानी में हम भी थे भाई क्या बात है थी हुनो इनकलाब से मुश्तर का दोस्ती कुछ रोज कारोबारे जवानी में हम भी थे हमको भी एक शख्स ने चाहा था टूट कर हमको भी एक शख्स ने चाहा था टूट कर, कर। खुशबू की तरह रात की रानी में हम भी थे क्या बात हमको भी एक शख्स ने चाहा था टूट कर खुशबू की तरह रात की रानी में हम भी थे एक शख्स से मोहब्बत हमें, हमें भी थी एक शख्स से शदीद मोहब्बत हमें भी थी एक शख्स की सुराग रसानी में हम भी थे बाँ 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 एक शख्स से शदीद मोहब्बत हमें भी थी एक शख्स की सुराग रसानी में हम भी थे लफ्ज़ों पे जो ख्याल को देता था फोकियत लफ्जों पे जो ख्याल को देता था फोकियत अशफाक उस गिरोह लसानी में हम भी क्या बात है अशफाक उस गिरोह लसानी में हम भी थे और आखिर में यह नज्म सुना देता हूं मुख्तसर है जूमिंग जी देखूं जो आसमां से तो इतनी बड़ी जमीन देखूं जो आसमां से इतनी तो इतनी बड़ी जमीन इतनी बड़ी जमीन पे छोटा सा एक शहर छोटे से एक शहर में सड़कों का एक जाल सड़कों के जाल में छुपी वीरान सी गली वीरान गली के मोड़ पे तन्हा सा एक शजर तन्हा शजर के साय में छोटा सा एक मकान छोटे से एक मकान में कच्ची जमी का सहन कच्ची जमी के सहन में खिलता हुआ गुलाब खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल उस दिल उस की सातों में कहीं खो गया हूं मैं यूं है कि इस जमी से बड़ा हो गया हूँ क्या बार, बार, बार। बार। क्या वाह बवाइशो और मैं शुक्रगुजार गुजार हूँ तारम साहब आपका भी इतनी अच्छी महफिल सजाई वो एक मेरे बड़े पुराने कर्म फरमा शाह शान जिनसे आज पहली दफ़ा मुलाकात हुई है और ये गायबाना मेरे एक पोर्ट्रेट बना के लाए हैं और इन्होंने कहा मैं पेश करना चाहता हूँ उसी में आपने मुशारे का ऐलान कर दिया बहुत शौब तो मेरे अख्ताम पर शाहब ने क्या बनाया है न जाने कैसी मेरी शक्ल होगी लेकिन बहरहाल मोहब्बत से बनाई गई तस्वीर है तो यकीन अच्छी होगी क्या बात मोहब्बत के सारे रंग है बहुत